तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर करम फिल्म के बारे में, जो 2024 में भारतीय तमिल भाषा के तेलुगु अनुवादित के साथ मूवी को रिलीज किया गया था। यह मूवी एक्शन ड्रामा के साथ 2024 में भारतीय तेलुगु भाषा द्वारा लिखी गई, जो निर्देशन हारिकिया और सीन क्रिप्सो के माध्यम से एम राधाकृष्ण द्वारा निर्मित, और इसमें महेश बाबू और श्री लीला लन मीनाक्षी और चौधरी जया प्रकाश राज राम कृष्ण और जया जगपति बाबूज द्वारा देखी गई, जहाँ पर इस मूवी का निर्देशन त्रिविक्रमा श्रीनिवास है और इसका लेखक भी त्रिविक्रमा श्रीनिवास है। वहीं पर उत्पादन में एस राधा द्वारा दी गई, और इनमें अभिनेता की बात करें तो महेश बाबू, श्री लीला लन और मीनाक्षी चौधरी और प्रकाश राज राम रमेश कृष्णा और जगपति बाबू है। वहीं पर इसके साथ सुनील रावल और छायाकान के रूप में मनोज परहांस और संपादित में नवीन नुली है। वहीं पर संगीत को थमन एस द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी हारिका और हसीन क्रिप्शंस रही थी। मूवी को 12 जनवरी 2024 को भारत में रिलीज कर दिया गया था और इस मूवी की समय अवधि 159 मिनट की रही थी। मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ रिलीज कर दिया गया और मूवी की लागत बजट 150 से 200 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म अधिकारी घोषणाओं को मई 2021 के अस्थायी रूप से जारी कर दिया। इसी के तहत प्रमुख भूमिका में मूवी को 28वें रूप से आधिकारिक शीर्षकों द्वारा जारी कर दिया गया था और इनके साथ महेश बाबू की शूटिंग और इसकी समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के अंत के साथ साउंडटेक और थमन एस द्वारा रचा गया, जबकि मनोज परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया। वहीं पर गुंटूर करम को संक्रांति के साथ आधिकारिक रूप से 2022 की शुरुआत और हैदराबाद की शूटिंग और इसके बाद पूरी हो गई, जहां पर दिसंबर 2023 के अंत में फिल्म स्कोर साउंडटेक थमन एस द्वारा रचा गया था और फिल्मोग्राफी मनोरंजन परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया, जहाँ पर गुंटूर करम को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर और सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया। फिल्म को त्रिविक्रमा श्रीनिवास पाटकथा कथनांक और थमन बैकग्राउंड स्कोर साउंडट्रैक द्वारा आलोचकों को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन बाबू ने प्रदर्शन प्रशंसाओं द्वारा देखी गई। बात करें तो मूवी की कथनांक की, जो 1998 में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे और डोका मार्शल बाबू लेलिन बाबू ने भगोनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया था, जो इनके साथ सत्यम को यह देखकर मार्शल और लेलिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है, जबकि फैक्ट्री से सवाल करने के लिए उनके पास जाते हैं जबकि फैक्ट्री जला रही होती है। इस प्रतिक्रिया में सत्यम बहनोई रंगम को गलती से लेलिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष लेता है, जिससे उसे 12 साल की जेल की डाल दिया गया था। हालांकि उनके बेटे वीरा वेंकट रमन रमिया की बाइक आंख की दृष्टि और आशंकित रूप से जारी कर दिया गया होगा, जो इसके तुरंत बाद ही यह देखते हुए सत्यम कैसे जेल और उसकी पत्नी और रमान की मां वसुधरा रमना और सत्यम के परिवार को छोड़ने का फैसला करती है। हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वापस चली जाती है और अंत अपने भतीजे और उसके साथ दूसरी शादी करती है, जहां पर चचेरे भाई ने पक्का राजगोपाल नारायण द्वारा देखी गई और इसे 2023 में वेंकट स्वामी ने अपने राजनीतिक दल से वसुधरा कानूनी मंत्री को बनाया था, लेकिन उन्हें अपने अधीन स्थल को राजनीतिक दल जन दल पार्टी के सदस्य काटा मधु विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं और रमिया वसूद के बेटे के साथ लाए जाते हैं, जहां पर इन्होंने अपने
आपके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दी गई थी और इनके दस्तावेज रमिया द्वारा हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वह वसुधरा का व्यापार परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में पैसे मिलेगा यदि आप अपनी माँ को देखते हैं या फिर बात करते हैं तो। वहीं पर इसके साथ ही देखे गए थे और इनकी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया। वकील बासु और सारगम पानी द्वारा उनकी बेटी वसुधरा राज द्वारा बाला सुब्रमण्यम बालू से शामिल जो रमिया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश करते हैं, इसे निराश होकर वेंकट स्वामी ने पानी से जुबली हिलाते हुए रमिया के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि उनके घर की कीमत सामान्य को नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उनके मजबूत करने की सुरक्षा को गोंडा पर हमला के बावजूद इसके सहानुभूति को देखा गया था और इन्होंने अपनी सहानुभूति समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखा गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई थी। वहीं पर गुंटूर करम मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी जमानत के आदेश को प्राप्त और पानी के विरोध रमिया वेंकट स्वामी के घर जाते हैं, जो इनके साथ FIR कहा जाता है और उसे फिर से दोहराते हैं। वसुंधरा के घर द्वारा हंगामा के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में प्रकाशन और वसुधरा हंगामा देखते हैं जो उनके विरोध करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और गुंटूर में वापस काटा मधु ने उसे अपने वेंकट स्वामी वसुधरा का विरोध करने वाले राजनेता के गुट के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा द्वारा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है, जो फोटोग्राफिक साक्ष्य ने रूप में पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए मीडिया को बताता है और वह वास्तव में वसुधरा का बेटा या देखकर वेंकट स्वामी को रमिया को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। और इसके बाद सत्यम ने रमाना के साथ उनके परिवार को बताया, उनकी फैक्ट्री जलने के बाद वसुधरा तुरंत रमा की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके लड़ी थी जिसके साथ सोचा था और रंगम को बचाया था, उसकी प्रमुख प्राथमिकता को रमिया को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन बुजुआ और उसकी भाभी तो ने सत्यम के आदेश के अनुसार उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हत्या की सुनवाई के दौरान अदालत में वसुधरा ने बुजी से रमिया की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर उनसे बताया गया कि उनकी आंखों में कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। क्रोधित वसुधरा ने गवाही दी, लेकिन रमिया के बजाय सत्यम से लेलिन की हत्या यह जानकर रमा उदास हो जाती है, जहां पर लिटोन बाजीगर का एक आधा सुपारी हथियारों और उसके आदमी द्वारा बालू को रमन के लिए अपहरण कर लेते हैं बालाजी के साथ बताए गए और वेंकट स्वामी की दौरान उन्हें मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उनका सामान्य करने पर पता चला कि नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाजी और उनके लोगों को रमन और मारने के लिए काम पर रखा गया था। कहीं उनके साथ वसुधरा को लॉरी ने टक्कर मार दी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और रमन ने यह देखते लिए दौड़ते गए, जहां पर वह कैसी वेंकट स्वामी ने उसे बताया था और हरिदास एक ऊपर दरित वेंकटा के साथ दुर्घटना की आड़ में वसुधरा की हत्या करने की योजनाओं को बनाई गई। वह रमिया को यह साबित करने के साथ उन्हें मारने का लिए मरा लेते और वसुधरा वेंकट द्वारा इस प्रतिक्रिया में उसे पानी को भी बताया गया, जहां पर वेंकट ने वापस पाने के लिए 1998 में सत्यम फिल्म फैक्ट्री द्वारा हमले के साथ साजिश रची गई, क्योंकि यह समय
चुनाव हार गया था क्योंकि वसुंधरा के सत्यम से शादी करते और दूसरी जाति से थी। जब रमना ने हरिदास को मारने जाता तो वह बताया कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिशोध वेंकट स्वामी के प्रति उनके साथ उसे 25 साल पहले एक व्यवसाय को स्थापित किया गया था और अंततः उसके द्वारा पीठ में चूरा घोंपा गया था। नारायण के साथ वसुंधरा के दूसरे बेटे राजगोपाल को सांसद बनने के कार्यक्रमों में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल उनके जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि उसे वसुंधरा ने अपने पिता को बेवकूफ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके। भले ही वे शादीशुदा है लेकिन कभी भी रिश्ते में नहीं बांधे और अपने सनाक्षय को अलग सोते यह पता चलता है। जो वेंकट स्वामी के साथ वसुंधरा का दुर्घटना और सहानुभूति के सीएम के रूप में कार्यकाल जीत सके। जब रमना को इस बात का पता चलता है तो वह उसे दोनों को बालू और अम्मू के साथ गुट्टू और वापस चले जाते हैं, जहां पर सत्यम को भूजी के खिल साथ फिर से मिलती है और अंतिम क्रेडिट दृश्यों को हताश वेंकट स्वामी को नारायण राजनीतिक पार्टी से लाने में रमन के साथ जुड़ने के बारे में सफल रूप से विचार करती है, लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं। बात करें तो ढलान की, जिसमें महेश के बाबू भोगनी और वीरा वेंकट रमन सत्यम वसुंधरा के बेटे हैं, वहीं पर श्रीलीला वसुधराज मोक्ता अमुका जो मालियाद के रूप में पानी के साथ बेटी के रूप में देखी गई, वहीं पर प्रेमिका रमिया की जचेरी बहन और राजी के रूप में मीनाक्षी चौधरी और व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वसुंधरा के पिता ने रमन के दादा के रूप में प्रकाश राज वेंकट स्वामी की बेटी कानूनी मंत्री और व्यापार वसुंधरा के साथ देखे गए, जहां पर रमा कृष्णा और उनके साथ गोपाल की दत्तक माँ भगोनी सत्यम द्वारा पूर्व पत्नी राजगोपाल नारायण है, जो भगोनी सत्यम के साथ उर्फ रॉयल सत्यम के रूप में जया रूप में वसुंधरा के पहले पति को रमिया के पिता जगपति बाबू डॉक्यूमेंट मार्शल बाबू लेलिन द्वारा देखी गई और सत्यम के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, जहां पर इन्होंने सुनील के डोका लेलिन बाबू और मार्शल के बड़े भाई है। वहीं पर राम रमेश जो पक्का राजगोपाल नारायण के रूप में वसुंधरा जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने अच्छे रिस्पांस के साथ लाया गया, जो व्यापक राजगोपाल ने अपने दत्तक सौतेले भाई के साथ राहुल रविंदर है। वहीं पर अजय जियान टीन बालाजी और आधे सुपरहारी द्वारा बाल सुब्रमण्य बालू बानी को सहायक रूप में देखी गई, जो वेनलिया किशोर है। वहीं पर सत्यम की बहन ने बूजी के रूप में स्वर्णी राव और रमेश की पत्नी साबा राजा ने अपने मीनाक्षी के साथ देखी गई, जहाँ पर काटा मधु ने वेंकट स्वामी के प्रतिनिधित्व विपक्षी के रूप में काम करती और पी रविशंकर द्वारा देखी गई थी तथा इन्होंने अपने साथ रमन के रूप में बूजी के पति और रघु बाबू सत्यम द्वारा जीजा के रमन चचा द्वारा देखे गए, जहां पर नकली ने हरी के दास के रूप में मधुसूदन राव और याकूब के रूप में पंपी साई है। वहीं पर साबा के साथ बूजी के बेटे और तेजा कुकुआन और राजी भाई और रमिया के चचेरे भाई लेलिन के बेटे मार्शल के भतीजे महेश के साथ चिंतन रूप में देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं को उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने सहयोगी रूप में लाया गया तथा इस मूवी के रूप में देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ दृश्य के रूप में उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के साथ देखे गए और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया, जहां पर इनके दौरान देखी गई श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी
और इन्होंने अपने सहयोग अतिथि के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के रूप में लाया गया और इनकी कथनांक बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी की योजनाओं को देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इन्होंने अपने दृश्यों को जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ बताए गए थे तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए देखी गई और इनके रूप के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखे गए थे और इनके साथ जारी कर दिया गया, जहां पर इनके रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित और घोषित कर लिया था और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए और इन्होंने अपनी मूवी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखकर कथनांकों के साथ लाया गया और इनके रूप समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्य को उजागर कर दिया गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में देखी गई, जो इनके सहयोग के साथ बताकर अपने प्रकाशन श्रृंखलाओं के बारे में देखी कर घोषित और इनके सहयोग रूप में जारी थी। मूवी को अच्छे रूपों के साथ बताकर अपनी भूमिका जारी कर देते हैं और इनके साथ लाए जाते हैं, जो इन दृश्यों के जरिए बताई गई समीक्षाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपने दृश्य भूमिकाओं को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था। वहीं पर इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इनके कथनांकों के जरिए देखी गई थी और इनके सहयोग के साथ लाया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के रूप में गुंटर क्रम के साथ देखी गई। अप्रैल 2021 में शुरुआत में बताया गया त्रिविक्रमा श्रीनिवास, जिन्होंने आरथू खलीजा, 2010 में महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ काम करते हैं और इनके सहयोग द्वारा जारी कर देते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई और इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही थी और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताए गए थे और इन्होंने अपनी सहयोगी तिथियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था तथा इन्होंने अपने फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित और पूजा हेगड़े के दौरान देखी गई और इनकी कथनांक को बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाया गया और इन्होंने अपने दृश्य को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनके सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित रूप में देखकर आयोजित था तथा इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों को दोनों राघव द्वारा अल्लाह वैकंठपुरम NTI जूनियर्स द्वारा देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए जारी करके इनके राघव के निर्देशन जूनियर के साथ उद्यम पहले अपने निर्देशन बाबूज द्वारा बताया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने आप के साथ लाई गई समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन भूमिका दी गई थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ देखे गए और इनकी कथनांक को बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी ने अपने पार्टी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसे अभिनेता प्रभावित हो गए और निर्देशन ने अपने तीसरे सहयोग उद्यम में काम करने के लिए सहमत हो गए। वहीं पर मई में अस्थायी रूप से SI
के तहत ही बाबू के त्रिविक्रमा के सहयोग अधिकारी घोषणा की गई और प्रदर्शन में नवंबर 2021 में शुरुआत कर दिया गया, जहां पर बाबू को कथित तौर पर सरकारू वारी पटा के साथ देखी गई और इनके शूटिंग सिनेमेटिक पीएस विनोद द्वारा, संपादक नवीन नूली द्वारा, संगीत थमन एल द्वारा देखी गई, जहां पर कला के निर्देशन प्रकांत द्वारा तकनीकी दल में अंतिम रूप को दिया गया और इस परियोजना को हरी आसन क्रिप्सो के तहत एस राधा कृष्ण वित्त द्वारा घोषित कर दी। मूवी को 3 फरवरी 2022 को हैदराबाद रमिया नायडू और स्टूडियो फिल्म के कलाकार और के साथ मुर्ताज पूजा के समारोह द्वारा आयोजित किया गया। शुरुआत में फिल्म के एक्शन थिएटर को रूप में प्रचारित कर दिया गया था, हालांकि पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद मेंबर्स द्वारा कलाकारों के बीच के टकराव को खबर आई थी और इस मूवी को अपनी समीक्षाओं के साथ बताए गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांग के साथ लाया गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मूवी को दृश्यों द्वारा लाए गए थे, जहां पर इन्होंने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इनकी कथनांक बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ जारी करके देखा गया था, जो इनकी कथनांक के बारे में लाकर इनके साथ प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों से जारी करके प्रकाशित किया गया था और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया, जो इन्होंने अपने रूपों के बारे में देखकर आयोजित कर देते हैं और इनके साथी को बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जोड़े गए थे और इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ लाकर प्रकाशित कर दी गई। मूवी बहुत ही बेहतरीन था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखकर आयोजित कर देते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी की श्रृंखलाओं को लाकर इनके और देखे गए और इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों के साथ देखी गई, जहां पर इस मूवी के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों में बताया गया था और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोग के रूप में लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ देखकर घोषित कर देते हैं, जहां पर लाई गई गुंडूर क्रम थिएटर मूल को हटाकर अपने पारिवारिक मनोरंजन को बदला दिया और शेड्यूल के साथ फिल्मांकन को हटाने के इरादे के साथ संशोधित करते हैं, जो आधिकारिक रूप में देखे गए और इन्होंने अपनी शुरुआत में 31 मई 2023 को गुंटूर क्रम के रूप में सामने आई थी, जहां पर इनके साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया। वहीं पर पूजा हेगड़े की शुरुआत अभिनेत्री को चुना गया और महर्षि ने 2019 के बाद दूसरी बार बाबू की जोड़ी बनाई और साथ ही निर्देशन के साथ उनके तीसरे सहयोग में हाल ही में उनके शेड्यूल का टकराव के कारण उद्यमित में बाहर कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को सहयोग रूप में शुरुआत और हेगड़े को हटाने से पहले उनकी अभिनेत्री भूमिका निभाने के लिए जारी कर दिया गया था और इनके सहयोग के साथ बताए गए, जहां पर श्रीवल्ली ने अपनी शेड्यूल की मीनाक्षी और रमिया कृष्ण के साथ रमन चौधरी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया और मार्च में प्रकाश राज और महेश बाबू दादा की भूमिका निभाने की कलाकार में शामिल हो गई। बाद में जया रमी और कलाकारों को शामिल करते हैं, जो जगपति बाबू और महेश बाबू के साथ ली गई थी और इनकी डरावनी किरदार के साथ देखे गए थे।
वहीं पर इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए, जहां पर किरदार निभाने की सूचना मिली थी और मुख्य फोटोग्राफर द्वारा इसे 12 सितंबर 2022 को अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद एक्शन सीक्वेंस के साथ देखी गई, जो इनके पहले शेड्यूल के जरिए देखी गई और इसे प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर NBI की जोड़ी द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और हाई ऑटो स्टेट में शामिल कर दिया गया, जो इनके कोरियोग्राफर को ओकेंस्टो स्टेट शामिल में बदला गया और उसकी महीनों को पूरा किया गया। हाल ही में निर्माताओं के साथ देखी गई और इनकी शेड्यूल रामोजिक फिल्म सिटी के दशहरा के उत्सव के बाद हेगड़े ने सेट पर शामिल होने के साथ शुरुआत में योजनाओं द्वारा त्रिविक्रमा द्वारा स्क्रिप्ट संशोधन के बाद लाई गई शूटिंग को पारिवारिक मनोरंजन के साथ बदल दिया गया। फिल्म को इन मनोरंजन के दूसरे शेड्यूल के साथ देखी गई और सारथी स्टूडियो हैदराबाद में हेगड़े ने अपने चलते फिल्मांकन को सेट पर शामिल और फरवरी में है टीमों द्वारा देखी गई, जहाँ पर संकरी रूप से तेलंगाना को 10 करोड़ खर्चे करके जयराम सेट पर शामिल था और दूसरा शेड्यूल को इसे 6 अप्रैल को पूरा किया, जहां पर फिल्म को 50% से अधिक शूटिंग के बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म को छायाकान और PS विनोद चले गए, जहां पर विकास ने बदला और उनके प्रतिस्थापन मनोज परहांस द्वारा घोषित और तीसरे शेड्यूल को 24 जून की शुरुआत में मुख्य फोटोग्राफी 28 सितंबर 2023 में हो गई थी। वहीं पर गुंटूर करम को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2024 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया और इनके इरादों को फिल्मी लॉन्चिंग में 11 अगस्त 2023 को टाल दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ लाई गई और संक्रमांतों को 13 जनवरी 2024 को टाल दिया। वहीं पर आखिरी में रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 को कर दिया गया। वहीं पर 23 मई 2023 ने बाबू के पिता द्वारा कृष्णा के साथ देखी गई और 28वें जन्मदिन के साथ अवसरण को पहली बार देखी, जहां पर झलक को जारी करके सिनेमा मौसूल द्वारा पूर्ण जीवित जोड़ी हुई है, जो इनके साथ आधिकारिक ट्रेलर को 7 जनवरी 2024 को जारी किया। फिल्म डिजिटल आधिकारिक के साथ नेटफ्लिक्स पर हासिल कर दिया और मूवी को स्वागत में तेलुगु मलयालम हिंदी भाषा के साथ लॉन्च कर दिया। फिल्म आमतौर पर आलोचनात्मक नकारात्मक लेकर मिश्रित थी, जिन्होंने अपने इसे निर्देशन के साथ पाठकथा कथनांक भूमिकाओं को देखा गया, जहां पर महेश बाबू द्वारा अपने प्रदर्शन और इंडियन एक्सप्रेस आनंदो को 5 में से लगभग 2.5 रेटिंग दे दिया था, जहां पर महेश बाबू को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए त्रिविक्रमा ने अनावश्यक घड़ी के रूप में लंबी फिल्म को एकमात्र रूप में दिया और इसके कारकों को थकाव घड़ी बनाने के लिए रोकते हैं, जो डेकन क्रॉनिकल BS द्वारा प्रकाश में 2.5 स्टार लिखा और निर्देशन ने त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ घड़ी बनाई थी, जो उनके महेश के जीवन की बड़ी छवि को सही ठहराने के लिए एक ठोस स्क्रिप्ट के साथ आने वाली विकल्प सिनेमा एक्सप्रेस अभिलाषा चेरुकुरिक द्वारा देखी गई, जहां पर इस मूवी को विजयवाड़ा हैदराबाद से बाहरी रिंग में ले जाया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने घोषणाओं के साथ एक्सप्रेस घटनाओं को बाहरी और बल्कि दोनों तेलुगु राज्य की तरह बनाएगी, जो सड़कों में प्रदर्शित करने वाले विशाल बी रोल ने गुटूर करम को बाकी हिस्सा महज भराव दिया, जो हिंदुस्तान टाइम नीतीश न्यायपति द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर इनकी दृश्य को प्रकाशित कर दिए गए थे, जहां पर इन्होंने अपने फिल्मी रूप से समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपने रूपों के बारे में व्यवसायी मानसिक त्रिविक्रमा दायरे को बाहर निकाला गया। संगीत देवी ने गुंटूर करम को त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ लाकर गुंटूर करम की शुरुआती आते हैं और भारत में करोड़ों के साथ मिलियनों
के रूप में देखी गई थी, जो इस मूवी के संगीत रूप को प्रकाशित कर दिया गया था। और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाए गए और इनकी दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया। वहीं पर बात करें मूवी को, गुंटूर करम को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को काफी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया और इसे 11 जनवरी के साथ 2023 तक टाल दिया गया। फिल्म डिजिटल रूप से काफी बेहतरीन थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन भाषा के साथ, एक्शन ड्रामा के साथ जारी कर दिया गया। फिल्म चीनी भाषा वायुष के द्वारा चुगुल रूप में देखी गई, जिसमें त्रिविक्रमा श्रीनिवास को देखा गया। बताया जाता है कि त्रिविक्रमा श्रीनिवास नाम से गूंजती जो कवित्री भी कहा जाता है, जो इन्होंने फिल्म अवार्ड के साथ वार्षिक फिल्मेयर अवार्ड में दक्षिणी भारतीय खंडन फिल्मेयर पत्रिक द्वारा भारतीय उद्योगों द्वारा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा कलात्मक तकनीकी उत्कृष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इनके साथ रूपी में देखी गई। और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफी बेहतरीन दृश्यों को प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज्यादा शानदार रूपों के साथ घोषित कर दिए गए और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई और इन्होंने अपने रूपी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बात करते हुए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को देखा गया तथा इनके साथ देखकर प्रकाशित कर दिए गए थे और इनके साथ लेकर देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखकर विकल्प बंगाली और सिनेमा पुरस्कार शामिल थे। मूवी बहुत ही ज्यादा प्रतियोगी उद्योग के वार्षिक समारोह में रचनात्मक पुरस्कारों द्वारा अपना शेड दिया और उनकी मुख्य हैदराबाद सेटिंग के साथ पहले पुरस्कार समारोह ने हिंदी पुरस्कारों को मुंबई में आयोजित किया, जहां पर 1976 में दक्षिण क्षेत्र फिल्म पुरस्कार को हिंदी में अलग करने के लिए स्थानांतरण कर दिया। पुरस्कार को पहली बार 1993 में समारोह बॉलीवुड द्वारा जिनके साथ देखी गई और इन्होंने कहा जाता है कि इनके पुरस्कार क्लेन वार्न को अरबियन और चेन्नई में आयोजित के बाद के समारोह को विशिष्ट संगीत अकादमी द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को हिंदी मान्यताओं द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी के साथ बताकर प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने अपने रूपों के बारे में जानकारी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बताया गया। वहीं पर इस मूवी को काफी ज्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ बताया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ घोषित करके प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी दृश्यों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनकी समीक्षाओं के साथ देखे गए। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफी ज्यादा शानदार रहा और इन्होंने अपने भूमिकाओं के बारे में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बात करते गए और इनके सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों को बढ़ाते हुए शुरुआती रूप में लाइट परफॉर्मेंस को बताया, जहां पर पुरुष पदार्पण महिला पदार्पण अवधि के दौरान उनके साथ देखे गए, जो उनके पुरस्कार गायकों मूर्ति प्रतिभा को ऐसी फिल्म महिला जैसी देखना चाहिए जो नृत्य संखियों को उठती और उनकी उंगलियों को छूती है, जो आमतौर पर ब्ले लीड द्वारा कहा गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कला निर्देशन वेंकट लेग हेम्बर को देख रेख में एनिजी
सेम द्वारा डिजाइन करते हैं जो आमतौर पर खास से करते हैं, और इनके साथ 5 फिल्मोग्राफर पुरस्कार को 25वीं रूप से देखी गई थी, और जश्न मनाते हुए चांदी की मूर्तियों के साथ बनाई गई। इनके साथ मनाने और सोने के रेड ऑपरेटर ऐसा खड़ा किया गया जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जो महेश बाबू के साथ योग्यताओं में लाया गया और स्वादिष्ट रूप में देखी गई। वहीं पर बात करें तो परामुख भौतिक मास्टर डिग्री जो इनके साथ देखी गई और इन्होंने अपने साथ जारी कर दिया गया था। वहीं पर हरीना हासिन के साथ डिस्ट्रोपेटेड क्रिप्स हैदराबाद में स्थित भारतीय फिल्म सिनेमा निर्माण कंपनी में जारी और स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर इनके साथ 2012 में राधा कृष्ण में कंपनी सित्रा एंटरटेनमेंट में सहायक उत्पादन के साथ कंपनी को पहला प्रोड्यूस्ट कर देते हैं, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूप देते हैं। और इन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सागर के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी करके बताया गया और इनके सहयोग के साथ लाकर इनकी प्रकाशित श्रृंखलाओं को जोड़ा गया था, और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाकर देखी गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था, और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन दृश्यों के साथ आयोजित और सत्यमूर्ति अल्लू अर्जुन को दोनों को दूसरी रूपों के साथ देखी गई थी, जहां पर सामान्य रूप से कलेक्शन के साथ बताया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स तिथियों के साथ लाकर आयोजित कर देते हैं और इनके सहयोग के साथ बताए जाते हैं। वहीं पर मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के रूप में लाया गया था और इनकी भूमिकाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इनकी सहयोग तिथि के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया जो इनके साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन रेटिंग दे दिया गया जो इन दृश्यों के साथ बताए गए। और गुंटूर करम मूवी में अपने निर्माण कंपनी पवन कल्याण के साथ बताया गया और इनके साथ सहयोग कल्याण अभिनेता ने एंटी रमिया द्वारा जूनियर, पूजा एंकड़े अभिनेता अरविंद समिति द्वारा वीर राघव अभिनेताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहां पर मूवी ब्लॉकबस्टर और तेलुगु सिम्बा पुरस्कार द्वारा नामांकन किया गया, जहां पर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अल्लू अर्जुन पूजा एंकड़े अभिनेताओं द्वारा देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ एस राधा को भी देखा गया। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा जो एस राधा नाम से चिन्ना बाबू नाम से जाने जाते हैं, जो भारतीय अभिनेता ने अपने निर्माता तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए हरिज्ञान क्रिप्सों के तहत ही निर्माण द्वारा देखी गई, भले ही उनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस थीटा और एक्शन एंटरटेनमेंट के अपने और भतीजे सूर्य देवा द्वारा नागा वामसी के साथ मुख्य अभिनेता के बैनर तले बनाई थी, जहां पर प्रस्तुति कर दिया और उन्होंने 1988 में महेश बाबू को 1985 में जन्म के साथ तेलुगु का रीमेक और 8 कथनांक को निर्माण करके अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं और वर्षों बाद निर्माण डिलीवरी के साथ जुड़े जूलियन को प्रस्तुति जबकि राधा रामेन द्वारा बताया गया था। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को देखकर
बताकर एस राधा को काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिन इनके सहयोग के साथ देखी गई। वहीं पर हरिया हासिन ने अपनी भूमिका और डीएसपी द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने इनके सहयोग के साथ देखे गए थे। वहीं पर इसे काफी ज्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ आयोजित कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इनकी कथनांग को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ लाई गई दृश्यों को आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने गुंटूर करम त्रिविद्रमा सकारात्मक लंदन के साथ देखे गए थे और इनके सहयोग के जरिए संगमरमर और तमिल कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट के साथ बताया गया और इन्होंने अपने सहयोग तिथि को जारी कर दिया था। वहीं पर इस मूवी को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्सिंग के साथ देखे गए थे। इनमें सभी की भूमिका काफी ज्यादा शानदार रही थी। इसमें सबसे बेहतरीन राधा कृष्ण द्वारा देखे गए थे। बताया जाता कि सूर्यदेवी राधा कृष्ण जो अपने साथ। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर करम फिल्म के बारे में, जो 2024 में भारतीय तमिल भाषा के तेलुगु अनुवादित के साथ मूवी को रिलीज किया गया था। यह मूवी एक्शन ड्रामा के साथ 2024 में भारतीय तेलुगु भाषा द्वारा लिखी गई, जो निर्देशन हारिकिया रसीन क्रिप्सो के माध्यम से एम राधा कृष्ण द्वारा निर्मित और इसमें महेश बाबू और श्री लीला लन मीनाक्षी और चौधरी जया प्रकाश राज राम कृष्ण और जया जगपतीज बाबू द्वारा देखी गई। जहाँ पर इस मूवी का निर्देशन त्रिविक्रमा श्रीनिवास है और इसका लेखक भी त्रिविक्रमा श्रीनिवास है। वहीं पर उत्पादन में एस राधा द्वारा दी गई और इनमें अभिनेता की बात करें तो महेश बाबू, श्री लीला लन और मीनाक्षी चौधरी और प्रकाश राज राम रमेश कृष्णा और जगपति बाबू है। वहीं पर इसके साथ सुनील रावल और छायाकान के रूप में मनोज परहांस और संपादित में नवीन नुली है। वहीं पर संगीत को थमन एस द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी हारिका और हसीन क्रिप्शंस रही थी। मूवी को 12 जनवरी 2024 को भारत में रिलीज कर दिया गया था और इस मूवी की समय अवधि 159 मिनट की रही थी। मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ रिलीज कर दिया गया और मूवी की लागत बजट 150 से 200 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म अधिकारी घोषणाओं को मई 2021 के अस्थायी रूप से जारी कर दिया। इसी के तहत प्रमुख भूमिका में मूवी को 28वें रूप से आधिकारिक शीर्षकों द्वारा जारी कर दिया गया था और इनके साथ महेश बाबू की शूटिंग और इसकी समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांग के साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था। जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के अंत के साथ साउंडट्रैक और थमन एस द्वारा रचा गया, जबकि मनोज परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया। वहीं पर गुंटूर करम को संक्रांति के साथ आधिकारिक रूप से 2022 की शुरुआत और हैदराबाद की शूटिंग और इसके बाद पूरी हो गई, जहां पर दिसंबर 2023 के अंत में फिल्म स्कोर साउंडट्रैक थमन एस द्वारा रचा गया था और फिल्मोग्राफी मनोरंजन परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया। जहाँ पर गुंटूर करम को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर और सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया। फिल्म को त्रिविक्रमा श्रीनिवास पाटकथा कथनांक और थमन बैकग्राउंड स्कोर साउंडट्रैक द्वारा आलोचकों को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन बाबू ने प्रदर्शन प्रशंसाओं द्वारा देखी गई। बात करें तो मूवी की कथनांक की, जो 1998 में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे और डोका मार्शल बाबू लेलिन बाबू ने भगोनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम के मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया था, जो इनके साथ सत्यम को यह देखकर मार्शल और लेलिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है जबकि फैक्ट्री जला रही होती है।
है। इस प्रतिक्रिया में सत्यम बहनोई रंगम को गलती से लेलिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष लेता है, जिससे उसे 12 साल की जेल की डाल दिया गया था। हालांकि उनके बेटे वीरा वेंकट रमन रमिया की बाइक आंख की दृष्टि और आशंकित रूप से जारी कर दिया गया होगा, जो इसके तुरंत बाद ही यह देखते हुए सत्यम कैसे जेल और उसकी पत्नी और रमान की मां वसुधरा रमना और सत्यम के परिवार को छोड़ने का फैसला करती है। हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वापस चली जाती और अंत अपने भतीजे और उसके साथ दूसरी शादी करती है, जहां पर चचेरे भाई ने पक्का राजगोपाल नारायण द्वारा देखी गई और इसे 2023 में वेंकट स्वामी ने अपने राजनीतिक दल से वसुधरा कानूनी मंत्री को बनाया था, लेकिन उन्हें अपने अधीन स्थल को राजनीतिक दल जन दल पार्टी के सदस्य काटा मधु विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं और रमिया वसूद के बेटे के साथ लाए जाते हैं, जहां पर इन्होंने अपने आपके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई थी और इनके दस्तावेज रमिया द्वारा हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वह वसुधरा का व्यापार परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में पैसे मिलेगा यदि आप अपनी मां को देखते हैं या फिर बात करते हैं तो। वहीं पर इसके साथ ही देखे गए थे और इनकी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया। वकील बासु और सारगम पानी द्वारा उनकी बेटी वसुधरा राज द्वारा बाला सुब्रमण्यम बालू से शामिल जो रमिया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश करते हैं, इसे निराश होकर वेंकट स्वामी ने पानी से जुबली हिलाते हुए रमिया के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि उनके घर की कीमत सामान्य को नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उनके मजबूत करने की सुरक्षा को गोंडा पर हमला के बावजूद इसके सहानुभूति को देखा गया था और इन्होंने अपनी सहानुभूति समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखा गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई थी। वहीं पर गुंटूर करम मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी जमानत के आदेश को प्राप्त और पानी के विरोध रमिया वेंकट स्वामी के घर जाते हैं, जो इनके साथ FIR कहा जाता है और उसे फिर से दोहराते हैं। वसुंधरा के घर द्वारा हंगामा के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में प्रकाशन और वसुधरा हंगामा देखते हैं, जो उनके विरोध करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और गुंटूर में वापस काटा मधु ने उसे अपने वेंकट स्वामी वसुधरा का विरोध करने वाले राजनेता के गुट के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा द्वारा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है, जो फोटोग्राफिक साक्ष्य ने रूप में पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए मीडिया को बताता है और वह वास्तव में वसुधरा का बेटा या देखकर वेंकट स्वामी को रमिया को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं और इसके बाद सत्यम ने रमाना के साथ उनके परिवार को बताया। उनकी फैक्ट्री जलने के बाद वसुधरा तुरंत रमा की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके लड़ी थी, जिसके साथ सोचा था और रंगम को बचाया था। उसकी प्रमुख प्राथमिकता को रमिया को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन बुजुआ और उसकी भाभी ने सत्यम के आदेश के अनुसार उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हत्या की सुनवाई के दौरान अदालत में वसुधरा ने बुजी से रमिया की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर उनसे बताया गया कि उनकी आंखों में कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। क्रोधित वसुधरा ने गवाही दी, लेकिन रमिया के बजाय सत्यम से लेलिन की हत्या
यह जानकर रमा उदास हो जाती है, जहाँ पर लिटोन बाजीगर का एक आधा सुपारी हथियारों और उसके आदमी द्वारा बालू को रमन के लिए अपहरण कर लेते हैं। बालाजी के साथ बताए गए और वेंकट स्वामी की दौरान उन्हें मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उनका सामान्य करने पर पता चला कि नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाबाजी और उनके लोगों को रमन और मारने के लिए काम पर रखा गया था। कहीं उनके साथ वसुधरा को लॉरी ने टक्कर मार दी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और रमन ने यह देखते लिए दौड़ते गए, जहां पर वह कैसी वेंकट स्वामी ने उसे बताया था और हरिदास एक ऊपर दरित वेंकटा के साथ दुर्घटना की आड़ में वसुधरा की हत्या करने की योजनाओं को बनाई गई। वह रमिया को यह साबित करने के साथ उन्हें मारने का भी लिए मरा लेते और वसुधरा वेंकट द्वारा इस प्रतिक्रिया में उसे पानी को भी बताया गया, जहां पर वेंकट ने वापस पाने के लिए 1998 में सत्यम फिल्म फैक्ट्री द्वारा हमले के साथ साजिश रची गई, क्योंकि यह समय चुनाव हार गया था, क्योंकि वसुधरा के सत्यम से शादी करते और दूसरी जाति से थी। जब रमना ने हरिदास को मारने जाता तो वह बताया कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिशोध वेंकट स्वामी के प्रति उनके साथ उसे 25 साल पहले एक व्यवसाय को स्थापित किया गया था और अंततः उसके द्वारा पीठ में चोरा घोंपा गया था। नारायण के साथ वसुधरा के दूसरे बेटे राजगोपाल को सांसद बनने के कार्यक्रमों में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल उनके जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि उसे वसुधरा ने अपने पिता को बेवकूफ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके। भले ही वे शादीशुदा है, लेकिन कभी भी रिश्ते में नहीं बांधे और अपने सनाक्षय को अलग सोते यह पता चलता है। जो वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा का दुर्घटना और सहानुभूति के सीएम के रूप में कार्यकाल जीत सके। जब रमना को इस बात का पता चलता है तो वह उसे दोनों को बालू और अम्मू के साथ गुट्टू और वापस चले जाते हैं, जहां पर सत्यम को भूजी के खिल साथ फिर से मिलती है और अंतिम क्रेडिट दृश्यों को हताश वेंकट स्वामी को नारायण राजनीतिक पार्टी से लाने में रमन के साथ जुड़ने के बारे में सफल रूप से विचार करती है, लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं। बात करें तो ढलान की, जिसमें महेश के बाबू भोगनी और वीरा वेंकट रमन सत्यम वसुधरा के बेटे हैं, वहीं पर श्री लीला वसुधराज मोक्ता अमुका जो माल्याद के रूप में पानी के साथ बेटी के रूप में देखी गई, वहीं पर प्रेमिका रमिया की जचेरी बहन और राजी के रूप में मीनाक्षी चौधरी और व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा के पिता ने रमन के दादा के रूप में प्रकाश राज वेंकट स्वामी की बेटी कानूनी मंत्री और व्यापार वसुधरा के साथ देखे गए, जहां पर रमा कृष्णा और उनके साथ गोपाल की दत्तक माँ भगवानी सत्यम द्वारा पूर्व पत्नी राजगोपाल नारायण है, जो भगवानी सत्यम के साथ उर्फ रॉयल सत्यम के रूप में जया रूप में वसुधरा के पहले पति को रमिया के पिता जगपति बाबू डॉक्यूमेंट मार्शल बाबू लेलिन द्वारा देखी गई और सत्यम के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, जहां पर इन्होंने सुनील के डोका लेलिन बाबू और मार्शल के बड़े भाई हैं। वहीं पर राम रमेश जो पक्का राजगोपाल नारायण के रूप में वसुधरा जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया, जो व्यापक राजगोपाल ने अपने दत्तक सौतेले भाई के साथ राहुल और रविंदर है। वहीं पर अजय जियान टीन बालाजी और आधे सुपरहारी द्वारा बाल सुब्रमणिक बालू बानी को सहायक रूप में देखी गई, जो वेनलिया किशोर है। वहीं पर सत्यम की बहन ने बूजी के रूप में स्वर्णी राव और रमेश की पत्नी साबा राजा ने अपने मीनाक्षी के साथ देखी गई, जहां पर काटा मधु ने वेंकट स्वामी के प्रतिनिधित्व विपक्ष के रूप में काम करती और पी रविशंकर द्वारा देखी गई थी तथा इन्होंने अपने साथ रमन के रूप में बूजी के पति और रघु बाबू सत्यम द्वारा जीजा के रमन चचा द्वारा देखे
गए, जहां पर नकली ने हरि के दास के रूप में मधुसूदन राव और याकूब के रूप में पंपी साई है। वहीं पर साबा के साथ बूजी के बेटे और तेजा कुकुआन और राजी भाई और रमिया के चचेरे भाई लेलिन के बेटे मार्शल के भतीजे महेश के साथ चिंतन रूप में देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं को उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने सहयोगी रूप में लाया गया तथा इस मूवी के रूप में देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ दृश्य के रूप में उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के साथ देखे गए और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया, जहां पर इनके दौरान देखी गई श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने सहयोग तिथि के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के रूप में लाया गया और इनकी कथनांक बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी की योजनाओं को देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इन्होंने अपने दृश्यों को जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ बताए गए थे तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए देखी गई और इनके रूप के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखे गए थे और इनके साथ जारी कर दिया गया, जहां पर इनके रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित और घोषित कर लिया था और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए और इन्होंने अपनी मूवी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखकर कथनांकों के साथ लाया गया और इनके रूप समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्य को उजागर कर दिया गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में देखी गई जो इनके सहयोग के साथ बताकर अपने प्रकाशन श्रृंखलाओं के बारे में देखी कर घोषित और इनके सहयोग रूप में जारी थी। मूवी को अच्छे रूपों के साथ बताकर अपनी भूमिका जारी कर देते हैं और इनके साथ लाए जाते हैं जो इन दृश्यों के जरिए बताई गई समीक्षाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी दृश्य भूमिकाओं को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था। वहीं पर इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इनके कथनांकों के जरिए देखी गई थी और इनके सहयोग के साथ लाया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के रूप में गुंटर क्रम के साथ देखी गई। अप्रैल 2021 में शुरुआत में बताया गया त्रिविक्रमा श्रीनिवास जिन्होंने आरथू खलीजा 2010 में महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ काम करते हैं और इनके सहयोग द्वारा जारी कर देते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई और इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही थी और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताए गए थे और इन्होंने अपनी सहयोगी तिथियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था तथा इन्होंने अपने फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित और पूजा हेगड़े के दौरान देखी गई और इनकी कथनांक को बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी
भूमिकाओं के बारे में लाया गया और इन्होंने अपने दृश्य को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनके सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित रूप में देखकर आयोजित था तथा इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों को दोनों राघव द्वारा अल्लाह वैकुंठपुरम एनटीआई जूनियर्स द्वारा देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए जारी करके इनके राघव के निर्देशन जूनियर के साथ उद्यम पहले अपने निर्देशन बाबूज द्वारा बताया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने आप के साथ लाई गई समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन भूमिका दी गई थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ देखे गए और इनकी कथनांक को बहुत ही बेहतरीन थी जहां पर मूवी ने अपने पार्टी स्क्रिप्ट सुनाई जिसे अभिनेता प्रभावित हो गए और निर्देशन ने अपने तीसरे सहयोग उद्यम में काम करने के लिए सहमत हो गए। वहीं पर मई में अस्थायी रूप से SIP के तहत ही बाबू के त्रिविक्रमा के सहयोग अधिकारी घोषणा की गई और प्रोडक्शन में नवंबर 2021 में शुरुआत कर दिया गया जहां पर बाबू को कथित तौर पर सरकारू वारीपटा के साथ देखी गई और इनके शूटिंग सिनेमेटिक PS विनोद द्वारा संपादक नवीन नूली द्वारा संगीत थमन एस द्वारा देखी गई जहां पर कला के निर्देशन पकरांत द्वारा तकनीकी दल में अंतिम रूप को दिया गया और इस परियोजना को हरी आसन क्रिप्सो के तहत एस राधा कृष्ण वित्त द्वारा घोषित कर दी। मूवी को 3 फरवरी 2022 को हैदराबाद रमिया नायडू और स्टूडियो फिल्म के कलाकार और के साथ मुर्ताज पूजा के समारोह द्वारा आयोजित किया गया। शुरुआत में फिल्म के एक्शन थिएटर को रूप में प्रचारित कर दिया गया था। हालांकि पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद मेबर्स द्वारा कलाकारों के बीच के टकराव को खबर आई थी और इस मूवी को अपनी समीक्षाओं के साथ बताए गए थे जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया जहां पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मूवी को दृश्यों द्वारा लाए गए थे जहां पर इन्होंने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इनकी कथनांक बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ जारी करके देखा गया था जो इनकी कथनांक के बारे में लाकर इनके साथ प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों से जारी करके प्रकाशित किया गया था और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया जो इन्होंने अपने रूपों के बारे में देखकर आयोजित कर देते हैं और इनके साथी को बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जोड़े गए थे और इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ लाकर प्रकाशित कर दी गई। मूवी बहुत ही बेहतरीन था। इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखकर आयोजित कर देते हैं जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी की श्रृंखलाओं को लाकर इनके और देखे गए और इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों के साथ देखी गई जहां पर इस मूवी के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों में बताया गया था और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे जो इनके सहयोग के रूप में लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी
बहुत ही ज्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ देखकर घोषित कर देते हैं। जहां पर लाई गई गुंडूर क्रम थिएटर मूल को हटाकर अपने पारिवारिक मनोरंजन को बदला दिया और शेड्यूल के साथ फिल्मांकन को हटाने के इरादे के साथ संशोधित करते हैं जो आधिकारिक रूप में देखी गई। और इन्होंने अपनी शुरुआत में 31 मई 2023 को गुंटूर क्रम के रूप में सामने आई थी जहां पर इनके साथ देखी गई थी। और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया। वहीं पर पूजा हेगड़े की शुरुआत अभिनेत्री को चुना गया और महर्षि ने 2019 के बाद दूसरी बार बाबू की जोड़ी बनाई और साथ ही निर्देशन के साथ उनके तीसरे सहयोग में हाल ही में उनके शेड्यूल का टकराव के कारण उद्यमित में बाहर कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को सहयोग रूप में शुरुआत और हेगड़े को हटाने से पहले उनकी अभिनेत्री भूमिका निभाने के लिए जारी कर दिया गया था और इनके सहयोग के साथ बताए गए। जहां पर श्रीवल्ली ने अपनी शेड्यूल की मीनाक्षी और रम्या कृष्ण के साथ रमन चौधरी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया और मार्च में प्रकाश राज और महेश बाबू दादा की भूमिका निभाने की कलाकार में शामिल हो गई। बाद में जयारमी और कलाकारों को शामिल करते हैं जो जगपति बाबू और महेश बाबू के साथ ली गई थी और इनकी डरावनी किरदार के साथ देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए जहां पर किरदार निभाने की सूचना मिली थी और मुख्य फोटोग्राफर द्वारा इसे 12 सितंबर 2022 को अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद एक्शन सीक्वेंस के साथ देखी गई जो इनके पहले शेड्यूल के जरिए देखी गई और इसे प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर NBI की जोड़ी द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और हाई ऑटो स्टेट में शामिल कर दिया गया जो इनके कोरियोग्राफर को ओकेंस्टो स्टेट शामिल में बदला गया और उसकी महीनों को पूरा किया गया। हाल ही में निर्माताओं के साथ देखी गई और इनकी शेड्यूल रामोजिक फिल्म सिटी के दशहरा के उत्सव के बाद हेगड़े ने सेट पर शामिल होने के साथ शुरुआत में योजनाओं द्वारा त्रिविक्रमा द्वारा स्क्रिप्ट संशोधन के बाद लाई गई शूटिंग को पारिवारिक मनोरंजन के साथ बदल दिया गया। फिल्म को इन मनोरंजन के दूसरे शेड्यूल के साथ देखी गई और सारथी स्टूडियो हैदराबाद में हेगड़े ने अपने चलते फिल्मांकन को सेट पर शामिल और फरवरी में है टीमों द्वारा देखी गई जहाँ पर संकरी रूप से तेलंगाना को 10 करोड़ खर्चे करके जयराम सेट पर शामिल था और दूसरा शेड्यूल को इसे 6 अप्रैल को पूरा किया जहां पर फिल्म को 50% से अधिक शूटिंग के बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म को छायाकान और PS विनोद चले गए जहां पर विकास ने बदला और उनके प्रतिस्थापन मनोज परहांस द्वारा घोषित और तीसरे शेड्यूल को 24 जून की शुरुआत में मुख्य फोटोग्राफी 28 सितंबर 2023 में हो गई थी। वहीं पर गुंटूर क्रम को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2024 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया और इनके इरादों को फिल्मी लॉन्चिंग में 11 अगस्त 2023 को टाल दिया गया जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ लाई गई और संक्रमांतों को 13 जनवरी 2024 को टाल दिया। वहीं पर आखिरी में रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 को कर दिया गया। वहीं पर 23 मई 2023 ने बाबू के पिता द्वारा कृष्णा के साथ देखी गई और 28वें जन्मदिन के साथ अवसरण को पहली बार देखी जहां पर झलक को जारी करके सिनेमा मौसूल द्वारा पूर्ण जीवित जोड़ी हुई है जो इनके साथ आधिकारिक ट्रेलर को 7 जनवरी 2024 को जारी किया। फिल्म डिजिटल आधिकारिक के साथ नेटफ्लिक्स पर हासिल कर दिया और मूवी को स्वागत में तेलुगु मलयालम हिंदी भाषा के साथ लॉन्च कर दिया। फिल्म आमतौर पर आलोचनात्मक नकारात्मक लेकर मिश्रित थी जिन्होंने अपने इसे निर्देशन के साथ पाठकथा कथना
अधिकांश भूमिकाओं को देखा गया, जहां पर महेश बाबू द्वारा अपने प्रदर्शन और इंडियन एक्सप्रेस आनंदो को 5 में से लगभग 2.5 रेटिंग दे दिया था, जहां पर महेश बाबू को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए त्रिविक्रमा ने अनावश्यक घड़ी के रूप में लंबी फिल्म को एकमात्र रूप में दिया और इसके कारकों को थकाओ घड़ी बनाने के लिए रोकते हैं, जो डेकन क्रॉनिकल BS द्वारा प्रकाश में 2.5 स्टार लिखा और निर्देशन ने त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ घड़ी बनाई थी, जो उनके महेश के जीवन की बड़ी छवि को सही ठहराने के लिए एक ठोस स्क्रिप्ट के साथ आने वाली विकल्प सिनेमा एक्सप्रेस अभिलाषा चेरुकुरिक द्वारा देखी गई, जहां पर इस मूवी को विजयवाड़ा हैदराबाद से बाहरी रिंग में ले जाया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने घोषणाओं के साथ एक्सप्रेस घटनाओं को बाहरी और बल्कि दोनों तेलुगु राज्य की तरह बनाएगी, जो सड़कों में प्रदर्शित करने वाले विशाल बी रोल ने गुटूर करम को बाकी हिस्सा महज भराव दिया, जो हिंदुस्तान टाइम नीतीश न्यायपति द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर इनकी दृश्य को प्रकाशित कर दिए गए थे, जहां पर इन्होंने अपने फिल्मी रूप से समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपने रूपों के बारे में व्यवसायी मानसिक त्रिविक्रमा दायरे को बाहर निकाला गया। संगीत देवी ने गुंटूर करम को त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ लाकर गुंटूर करम की शुरुआती आते हैं और भारत में करोड़ों के साथ मिलियनों के रूप में देखी गई थी, जो इस मूवी के संगीत रूप को प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाए गए और इनकी दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया। वहीं पर बात करें मूवी को गुंटूर करम को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया और इसे 11 जनवरी के साथ 2023 तक टाल दिया गया। फिल्म डिजिटल रूप से काफ़ी बेहतरीन थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी कर दिया गया। फिल्म चीनी भाषा वायुष्क द्वारा चुगुल रूप में देखी गई, जिसमें त्रिविक्रमा श्रीनिवास को देखा गया। बताया जाता है कि त्रिविक्रमा श्रीनिवास नाम से गूंजती जो कवित्री भी कहा जाता है, जो इन्होंने फिल्म अवार्ड के साथ वार्षिक फिल्मेयर अवार्ड में दक्षिणी भारतीय खंडन फिल्मेयर पत्रिक द्वारा भारतीय उद्योगों द्वारा इसे तमिल तेलुगु मलयालम भाषा कलात्मक तकनीकी उत्कृष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इनके साथ रूपी में देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों को प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूपों के साथ घोषित कर दिए गए और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई और इन्होंने अपने रूपी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बात करते हुए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को देखा गया तथा इनके साथ देखकर प्रकाशित कर दिए गए थे और इनके साथ लेकर देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखकर विकल्प बंगाली और सिनेमा पुरस्कार शामिल थे। मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी उद्योग के वार्षिक समारोह में रचनात्मक पुरस्कारों द्वारा अपना शेड दिया और उनकी मुख्य हैदराबाद सेटिंग के साथ पहले पुरस्कार समारोह ने हिंदी पुरस्कारों को मुंबई में आयोजित किया, जहां पर 1976 में दक्षिण क्षेत्र फिल्म पुरस्कार को हिंदी में अलग करने के लिए स्थानांतरण कर दिया। पुरस्कार को पहली बार 1993 में समारोह बॉलीवुड द्वारा जिनके साथ देखी गई और इन्होंने कहा जाता है कि इनके पुरस्कार
ग्लेनवार्न को आर्वियान और चेन्नई में आयोजित के बाद के समारोह को विशिष्ट संगीत अकादमी द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को हिंदी मान्यताओं द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी के साथ बताकर प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने अपने रूपों के बारे में जानकारी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बताया गया। वहीं पर इस मूवी को काफी ज्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ बताया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ घोषित करके प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी दृश्यों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनकी समीक्षाओं के साथ देखे गए। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफी ज्यादा शानदार रहा और इन्होंने अपने भूमिकाओं के बारे में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बात करते गए और इनके सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों को बढ़ाते हुए शुरुआती रूप में लाइट परफॉर्मेंस को बताया, जहां पर पुरुष पदार्पण महिला पदार्पण अवधि के दौरान उनके साथ देखे गए जो उनके पुरस्कार गायकों मूर्ति प्रतिभा को ऐसी फिल्म महिला जैसी देखना चाहिए जो नृत्य संख्यों को उठती और उनकी उंगलियों को छूती है, जो आमतौर पर ब्ले लीड द्वारा कहा गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कला निर्देशन वेंकट लेग हेम्बर को देख रेख में एनजी पानसेम द्वारा डिजाइन करते हैं, जो आमतौर पर खास से करते हैं और इनके साथ 5 फिल्मोग्राफर पुरस्कार को 25वीं रूप से देखी गई थी और जश्न मनाते हुए चांदी की मूर्तियों के साथ बनाई गई। इनके साथ मनाने और सोने के रेड कॉपरेटर ऐसा खड़ा किया गया जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जो महेश बाबू के साथ योग्यताओं में लाया गया और स्वादिष्ट रूप में देखी गई। वहीं पर बात करें तो परामुख भौतिक मास्टर डिग्री जो इनके साथ देखी गई और इन्होंने अपने साथ जारी कर दिया गया था। वहीं पर हरीना हासिन के साथ डिस्ट्रोपेटेड क्रिप्स हैदराबाद में स्थित भारतीय फिल्म सिनेमा निर्माण कंपनी में जारी और स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर इनके साथ 2012 में राधा कृष्ण में कंपनी सित्रा एंटरटेनमेंट में सहायक उत्पादन के साथ कंपनी को पहला प्रोड्यूस्ट कर देते हैं, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूप देते हैं और इन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सागर के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी करके बताया गया और इनके सहयोग के साथ लाकर इनकी प्रकाशित श्रृंखलाओं को जोड़ा गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाकर देखी गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन दृश्यों के साथ आयोजित और सत्यमूर्ति अल्लू अर्जुन को दोनों को दूसरी रूपों के साथ देखी गई थी, जहां पर सामान्य रूप से कलेक्शन के साथ बताया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स तिथियों के साथ लाकर आयोजित कर देते हैं और इनके सहयोग के साथ बताए जाते हैं। वहीं पर मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के रूप में लाया गया था और इनकी भूमिकाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इनकी सहयोग तिथि के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ
काफी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया जो इनके साथ देखे गए थे, और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन रेटिंग दे दिया गया जो इन दृश्यों के साथ बताए गए। और गुंटूर करम मूवी में अपने निर्माण कंपनी पवन कल्याण के साथ बताया गया, और इनके साथ सहयोग कल्याण अभिनेता ने एंटी रमिया द्वारा जूनियर, पूजा हेकड़े अभिनेता अरविंद स्मृति द्वारा वीर राघव अभिनेताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहां पर मूवी ब्लॉकबस्टर और तेलुगु सिम्बा पुरस्कार द्वारा नामांकन किया गया, जहां पर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अल्लू अर्जुन पूजा हेकड़े अभिनेताओं द्वारा देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ एस राधा को भी देखा गया। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा जो एस राधा नाम से चिन्ना बाबू नाम से जाने जाते हैं, जो भारतीय अभिनेता ने अपने निर्माता तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए हरिज्ञान क्रिप्सो के तहत ही निर्माण द्वारा देखी गई, भले ही उनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस थीटा और एक्शन एंटरटेनमेंट के अपने और भतीजे सूर्य देवा द्वारा नागा वामसी के साथ मुख्य अभिनेता के बैनर तले बनाई थी, जहां पर प्रस्तुति कर दिया। और उन्होंने 1988 में महेश बाबू को 1985 में जन्म के साथ तेलुगु का रीमेक और 8 कथनांग को निर्माण करके अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं, और वर्षों बाद निर्माण डिलीवरी के साथ जुड़े जूलियन को प्रस्तुति, जबकि राधा रामेन द्वारा बताया गया था। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को देखकर बताकर एस राधा को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी जिन इनके सहयोग के साथ देखी गई। वहीं पर हरिया हासिन ने अपनी भूमिका और DSP द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था, और इन्होंने इनके सहयोग के साथ देखे गए थे। वहीं पर इसे काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ आयोजित कर दिया गया जो इन्होंने अपनी फिल्में श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था, और इनकी कथनांग को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ लाई गई दृश्यों को आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने गुंटूर करम त्रिविद्रमा सकारात्मक लंदन के साथ देखे गए थे, और इनके सहयोग के जरिए संगमरमर और तमिल कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट के साथ बताया गया, और इन्होंने अपने सहयोग तिथि को जारी कर दिया था। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्सिंग के साथ देखे गए थे। इनमें सभी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। इसमें सबसे बेहतरीन राधा कृष्ण द्वारा देखे गए थे। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा कृष्ण जो अपने साथ। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर करम फिल्म के बारे में जो 2024 में भारतीय तमिल भाषा के तेलुगु अनुवादित के साथ मूवी को रिलीज किया गया था। यह मूवी एक्शन ड्रामा के साथ 2024 में भारतीय तेलुगु भाषा द्वारा लिखी गई, जो निर्देशन हारिकिया रसीन क्रिप्सो के माध्यम से एम राधाकृष्ण द्वारा निर्मित, और इसमें महेश बाबू और श्री लीला लन मीनाक्षी और चौधरी जया प्रकाश राज राम कृष्ण और जया जगपतीज बाबूज द्वारा देखी गई, जहाँ पर इस मूवी का निर्देशन त्रिविक्रमा श्रीनिवास है और इसका लेखक भी त्रिविक्रमा श्रीनिवास है। वहीं पर उत्पादन में एस राधा द्वारा दी गई, और इनमें अभिनेता की बात करें तो महेश बाबू, श्री लीला लन और मीनाक्षी चौधरी और प्रकाश राज राम, रमेश कृष्णा और जगपति बाबू है। वहीं पर इसके साथ सुनील रावल और छायाकान के रूप में मनोज परहांस और संपादित में नवीन नुली है। वहीं पर संगीत को थमन एस द्वारा दिया गया, और इसका उत्पादन कंपनी हारिका और हसीन क्रिप्शंस रही थी। मूवी को 12 जनवरी 2024 को भारत में रिलीज कर दिया गया था, और इस मूवी की समय अवधि 159 मिनट की रही थी। मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ रिलीज कर दिया गया, और मूवी की लागत बजट 150 से 200 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ का कलेक्शन किया था, और फिल्म अधिकारी घोषणाओं को मई 2021 के अस्थायी रूप से जारी कर दिया। इसी के तहत प्रमुख भूमिका में मूवी को 28वें रूप से आधिकारिक शीर्षकों द्वारा जारी कर दिया गया था, और इनके साथ महेश बाबू की शूटिंग और इसकी समीक्षाओं द्वारा जारी करके
प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के अंत के साथ साउंडटेक और थमन एस द्वारा रचा गया, जबकि मनोज परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया। वहीं पर गुंटूर करम को संक्रांति के साथ आधिकारिक रूप से 2022 की शुरुआत और हैदराबाद की शूटिंग और इसके बाद पूरी हो गई, जहां पर दिसंबर 2023 के अंत में फिल्म स्कोर साउंडटेक थमन एस द्वारा रचा गया था और फिल्मोग्राफी मनोरंजन परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया, जहां पर गुंटूर करम को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर और सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया। फिल्म को त्रिविक्रमा श्रीनिवास पाठक तथा कथनांक और थमन बैकग्राउंड स्कोर साउंडटेक द्वारा आलोचकों को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन बाबू ने प्रदर्शन प्रशंसाओं द्वारा देखी गई। बात करें तो मूवी की कथनांक की, जो 1998 में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे और डोका मार्शल बाबू लेलिन बाबू ने भगोनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया था, जो इनके साथ सत्यम को यह देखकर मार्शल और लेलिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है, जबकि फैक्ट्री से सवाल करने के लिए उनके पास जाते हैं जबकि फैक्ट्री जला रही होती है। इस प्रतिक्रिया में सत्यम बहनोई रंगम को गलती से लेलिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष लेता है जिससे उसे 12 साल की जेल की डाल दिया गया था। हालांकि उनके बेटे वीरा वेंकट रमन रमिया की बाइक आंख की दृष्टि और आशंकित रूप से जारी कर दिया गया होगा, जो इसके तुरंत बाद ही यह देखते हुए सत्यम कैसे जेल और उसकी पत्नी और रमान की मां वसुधरा रमना और सत्यम के परिवार को छोड़ने का फैसला करती है। हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वापस चली जाती और अंत अपने भतीजे और उसके साथ दूसरी शादी करती है, जहां पर चचेरे भाई ने पक्का राजगोपाल नारायण द्वारा देखी गई और इसे 2023 में वेंकट स्वामी ने अपने राजनीतिक दल से वसुधरा कानूनी मंत्री को बनाया था, लेकिन उन्हें अपने अधीन स्थल को राजनीतिक दल जन दल पार्टी के सदस्य काटा मधु विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं और रमिया वसूद के बेटे के साथ लाए जाते हैं, जहां पर इन्होंने अपने आप के साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई थी और इनके दस्तावेज रमिया द्वारा हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वह वसुधरा का व्यापार परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में पैसे मिलेगा यदि आप अपनी मां को देखते हैं या फिर बात करते हैं तो। वहीं पर इसके साथ ही देखे गए थे और इनकी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया। वकील बासु और सारगम पानी द्वारा उनकी बेटी वसुधरा राज द्वारा बाला सुब्रमण्यम बालू से शामिल जो रमिया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश करते हैं, इसे निराश होकर वेंकट स्वामी ने पानी से जुबली हिलाते हुए रमिया के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि उनके घर की कीमत सामान्य को नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उनके मजबूत करने की सुरक्षा को गोंडा पर हमला के बावजूद इसके सहानुभूति को देखा गया था और इन्होंने अपनी सहानुभूति समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखा गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई थी। वहीं पर गुंटूर करम मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी जमानत के आदेश को प्राप्त और पानी के विरोध रमिया वेंकट स्वामी के घर जाते हैं, जो इनके साथ FIR कहा जाता है और उसे फिर से दोहराते हैं। वसुंधरा के घर द्वारा हंगामा के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी
भूमिकाओं के बारे में प्रकाशन और वसुधरा हंगामा देखते हैं, जो उनके विरोध करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और गुंटूर में वापस काटा। मधु ने उसे अपने वेंकट स्वामी वसुधरा का विरोध करने वाले राजनेता के गुट के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा द्वारा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है, जो फोटोग्राफिक साक्ष्य ने रूप में पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए मीडिया को बताता है, और वह वास्तव में वसुधरा का बेटा यह देखकर वेंकट स्वामी को रमिया को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। और इसके बाद सत्यम ने रमाना के साथ उनके परिवार को बताया, उनकी फैक्ट्री जलने के बाद वसुधरा तुरंत रमा की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके लड़ी थी, जिसके साथ सोचा था और रंगम को बचाया था। उसकी प्रमुख प्राथमिकता को रमिया को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन बुजुआ और उसकी भाभी तो ने सत्यम के आदेश के अनुसार उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन हत्या की सुनवाई के दौरान अदालत में वसुधरा ने बुजी से रमिया की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर उनसे बताया गया कि उनकी आंखों में कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। क्रोधित वसुधरा ने गवाही दी, लेकिन रमिया के बजाय सत्यम से ले लीन की हत्या यह जानकर रमा उदास हो जाती है, जहाँ पर लिटोन बाजीगर का एक आधा सुपारी हथियारों और उसके आदमी द्वारा बालू को रमन के लिए अपहरण कर लेते हैं। बालाजी के साथ बताए गए और वेंकट स्वामी की दौरान उन्हें मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उनका सामान्य करने पर पता चला कि नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाजी और उनके लोगों को रमन और मारने के लिए काम पर रखा गया था। कहीं उनके साथ वसुधरा को लॉरी ने टक्कर मार दी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और रमन ने यह देखते लिए दौड़ते गए, जहां पर वह कैसी वेंकट स्वामी ने उसे बताया था, और हरिदास एक ऊपर दरित वेंकटा के साथ दुर्घटना की आड़ में वसुधरा की हत्या करने की योजनाओं को बनाई गई। वह रमिया को यह साबित करने के साथ उन्हें मारने का भी लिए मरा लेते हैं, और वसुधरा वेंकट द्वारा इस प्रतिक्रिया में उसे पानी को भी बताया गया, जहां पर वेंकट ने वापस पाने के लिए 1998 में सत्यम फिल्म फैक्ट्री द्वारा हमले के साथ साजिश रची गई, क्योंकि यह समय चुनाव हार गया था, क्योंकि वसुधरा के सत्यम से शादी करते और दूसरी जाति से थी। जब रमना ने हरिदास को मारने जाता तो वह बताया कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिशोध वेंकट स्वामी के प्रति उनके साथ उसे 25 साल पहले एक व्यवसाय को स्थापित किया गया था और अंततः उसके द्वारा पीठ में चोरा घोंपा गया था। नारायण के साथ वसुधरा के दूसरे बेटे राजगोपाल को सांसद बनने के कार्यक्रमों में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल उनके जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि उसे वसुधरा ने अपने पिता को बेवकूफ बनाने के लिए गोद लिया था, ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके। भले ही वे शादीशुदा है, लेकिन कभी भी रिश्ते में नहीं बांधे और अपने सनाक्षय को अलग सोते यह पता चलता है। जो वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा का दुर्घटना और सहानुभूति के सीएम के रूप में कार्यकाल जीत सके। जब रमना को इस बात का पता चलता है तो वह उसे दोनों को बालू और अम्मू के साथ गुट्टू और वापस चले जाते हैं, जहां पर सत्यम को भूजी के खिल साथ फिर से मिलती है, और अंतिम क्रेडिट दृश्यों को हताश वेंकट स्वामी को नारायण राजनीतिक पार्टी से लाने में रमन के साथ जुड़ने के बारे में सफल रूप से विचार करती है, लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं। बात करें तो ढलान की, जिसमें महेश के बाबू भोगनी और वीरा वेंकट रमन सत्यम वसुधरा के बेटे हैं, वहीं पर श्रीलीला वसुधराज मोक्ता अमुका जो मालियाद के रूप में पानी के साथ
बेटी के रूप में देखी गई। वहीं पर प्रेमिका रमिया की जचेरी बहन और राजी के रूप में मीनाक्षी चौधरी और व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा के पिता ने रमन के दादा के रूप में प्रकाश राज वेंकट स्वामी की बेटी कानूनी मंत्री और व्यापार वसुधरा के साथ देखे गए, जहां पर रमा कृष्णा और उनके साथ गोपाल की दत्तक माँ भगवानी सत्यम द्वारा पूर्व पत्नी राजगोपाल नारायण है, जो भगवानी सत्यम के साथ उर्फ रॉयल सत्यम के रूप में जया रूप में वसुधरा के पहले पति को रमिया के पिता जगपति बाबू डॉक्यूमेंट मार्शल बाबू लेलिन द्वारा देखी गई और सत्यम के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, जहां पर इन्होंने सुनील के डोका लेलिन बाबू और मार्शल के बड़े भाई हैं। वहीं पर राम रमेश जो पक्का राजगोपाल नारायण के रूप में वसुधरा जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया, जो व्यापक राजगोपाल ने अपने दत्तक सौतेले भाई के साथ राहुल और रविंदर है। वहीं पर अजय जियान टीन बालाजी और आधे सुपरहारी द्वारा बाल सुब्रमण्य बालू बानी को सहायक रूप में देखी गई, जो वेनलिया किशोर है। वहीं पर सत्यम की बहन ने बूजी के रूप में स्वर्णी राव और रमेश की पत्नी साबा राजा ने अपने मीनाक्षी के साथ देखी गई, जहाँ पर काटा मधु ने वेंकट स्वामी के प्रतिनिधित्व विपक्षी के रूप में काम करती और पी रविशंकर द्वारा देखी गई थी तथा इन्होंने अपने साथ रमन के रूप में बूजी के पति और रघु बाबू सत्यम द्वारा जीजा के रमन चचा द्वारा देखे गए, जहां पर नकली ने हरी के दास के रूप में मधुसूदन राव और याकूब के रूप में पंपी साई है। वहीं पर साबा के साथ बूजी के बेटे और तेजा कुकुआन और राजी भाई और रमिया के चचेरे भाई लेलिन के बेटे मार्शल के भतीजे महेश के साथ चिंतन रूप में देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं को उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने सहयोगी रूप में लाया गया तथा इस मूवी के रूप में देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ दृश्य के रूप में उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के साथ देखे गए और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया, जहां पर इनके दौरान देखी गई श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने सहयोग तिथि के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के रूप में लाया गया और इनकी कथनांक बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी की योजनाओं को देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इन्होंने अपने दृश्यों को जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ बताए गए थे तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए देखी गई और इनके रूप के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखे गए थे और इनके साथ जारी कर दिया गया, जहां पर इनके रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित और घोषित कर लिया था और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए और इन्होंने अपनी मूवी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखकर कथनांकों के साथ लाया गया और इनके रूप समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्य को उजागर कर दिया गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में देखी गई, जो इनके सहयोग के साथ बताकर अपने प्रकाशन श्रृंखलाओं के बारे में देखी कर घोषित और इनके सहयोग रूप में जारी थी। मूवी को अच्छे रूपों के साथ बताकर अपनी भूमिका
जारी कर देते हैं और इनके साथ लाए जाते हैं, जो इन दृश्यों के जरिए बताई गई समीक्षाओं के साथ देखी गई। और इन्होंने अपने दृश्य भूमिकाओं को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था। वहीं पर इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इनके कथनांकों के जरिए देखी गई थी और इनके सहयोग के साथ लाया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के रूप में गुंटर क्रम के साथ देखी गई। अप्रैल 2021 में शुरुआत में बताया गया त्रिविक्रमा श्रीनिवास, जिन्होंने आरथू खलीजा, 2010 में महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ काम करते हैं और इनके सहयोग द्वारा जारी कर देते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई और इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही थी और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताए गए थे और इन्होंने अपनी सहयोगी तिथियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था तथा इन्होंने अपने फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित और पूजा हेगड़े के दौरान देखी गई और इनकी कथनांक को बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाया गया और इन्होंने अपने दृश्य को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनके सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित रूप में देखकर आयोजित था तथा इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों को दोनों राघव द्वारा, अल्लाह वैकुंठपुरम एनटीआई जूनियर्स द्वारा देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए जारी करके इनके राघव के निर्देशन जूनियर के साथ उद्यम पहले अपने निर्देशन बाबूज द्वारा बताया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने आप के साथ लाई गई समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन भूमिका दी गई थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ देखे गए और इनकी कथनांक को बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी ने अपने पार्टी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसे अभिनेता प्रभावित हो गए और निर्देशन ने अपने तीसरे सहयोग उद्यम में काम करने के लिए सहमत हो गए। वहीं पर मई में अस्थायी रूप से SIP के तहत ही बाबू के त्रिविक्रमा के सहयोग अधिकारी घोषणा की गई और प्रोडक्शन में नवंबर 2021 में शुरुआत कर दिया गया, जहां पर बाबू को कथित तौर पर सरकारू वारीपटा के साथ देखी गई और इनके शूटिंग सिनेमेटिक PS विनोद द्वारा, संपादक नवीन नूली द्वारा, संगीत थमन एल द्वारा देखी गई, जहां पर कला के निर्देशन पकरांत द्वारा तकनीकी दल में अंतिम रूप को दिया गया और इस परियोजना को हरी आसन क्रिप्सो के तहत एस राधा कृष्ण वित्त द्वारा घोषित कर दी। मूवी को 3 फरवरी 2022 को हैदराबाद रमिया नायडू और स्टूडियो फिल्म के कलाकार और के साथ मुर्ताज पूजा के समारोह द्वारा आयोजित किया गया। शुरुआत में फिल्म के एक्शन थिएटर को रूप में प्रचारित कर दिया गया था, हालांकि पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद मेबर्स द्वारा कलाकारों के बीच के टकराव को खबर आई थी और इस मूवी को अपनी समीक्षाओं के साथ बताए गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मूवी को दृश्यों द्वारा लाए गए थे, जहां पर इन्होंने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इनकी कथनांक बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ जारी करके देखा गया था, जो इनकी कथनांक के बारे में
लाकर इनके साथ प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों से जारी करके प्रकाशित किया गया था और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया, जो इन्होंने अपने रूपों के बारे में देखकर आयोजित कर देते हैं और इनके साथी को बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जोड़े गए थे और इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ लाकर प्रकाशित कर दी गई मूवी बहुत ही बेहतरीन था। इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखकर आयोजित कर देते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ प्रकाशित कर देते हैं, वहीं पर इस मूवी की श्रृंखलाओं को लाकर इनके और देखे गए और इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों के साथ देखी गई, जहां पर इस मूवी के साथ जारी करके प्रकाशित रूप में बताया गया था और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोग के रूप में लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ देखकर घोषित कर देते हैं, जहां पर लाई गई गुंडोर क्रम थिएटर मूल को हटाकर अपने पारिवारिक मनोरंजन को बदला दिया और शेड्यूल के साथ फिल्मांकन को हटाने के इरादे के साथ संशोधित करते हैं, जो आधिकारिक रूप में देखी गई और इन्होंने अपनी शुरुआत में 31 मई 2023 को गुंटूर कर्म के रूप में सामने आई थी, जहां पर इनके साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया। वहीं पर पूजा हेगड़े की शुरुआत अभिनेत्री को चुना गया और महर्षि ने 2019 के बाद दूसरी बार बाबू की जोड़ी बनाई और साथ ही निर्देशन के साथ उनके तीसरे सहयोग में हाल ही में उनके शेड्यूल का टकराव के कारण उद्यमित में बाहर कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को सहयोग रूप में शुरुआत और हेकड़े को हटाने से पहले उनकी अभिनेत्री भूमिका निभाने के लिए जारी कर दिया गया था और इनके सहयोग के साथ बताए गए, जहां पर श्रीवल्ली ने अपनी शेड्यूल की मीनाक्षी और रम्या कृष्ण के साथ रमन चौधरी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया और मार्च में प्रकाश राज और महेश बाबू दादा की भूमिका निभाने की कलाकार में शामिल हो गई। बाद में जया रमी और कलाकारों को शामिल करते हैं, जो जगपति बाबू और महेश बाबू के साथ ली गई थी और इनकी डरावनी किरदार के साथ देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए, जहां पर किरदार निभाने की सूचना मिली थी और मुख्य फोटोग्राफर द्वारा इसे 12 सितंबर 2022 को अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद एक्शन सीक्वेंस के साथ देखी गई, जो इनके पहले शेड्यूल के जरिए देखी गई और इसे प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर NBI की जोड़ी द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और हाई ऑटो स्टेट में शामिल कर दिया गया, जो इनके कोरियोग्राफर को ओकेंस्टो स्टेट शामिल में बदला गया और उसकी महीनों को पूरा किया गया। हाल ही में निर्माताओं के साथ देखी गई और इनकी शेड्यूल रामोजिक फिल्म सिटी के दशहरा के उत्सव के बाद हेगड़े ने सेट पर शामिल होने के साथ शुरुआत में योजनाओं द्वारा त्रिविक्रमा द्वारा स्क्रिप्ट संशोधन के बाद लाई गई शूटिंग को पारिवारिक मनोरंजन के साथ बदल दिया गया। फिल्म को इन मनोरंजन के दूसरे शेड्यूल के साथ देखी गई और सारथी स्टूडियो हैदराबाद में हेगड़े ने अपने चलते फिल्मांकन को सेट पर शामिल और फरवरी में है टीमों द्वारा देखी गई, जहाँ पर संकरी रूप से तेलंगाना को 10 करोड़ खर्चे करके जयराम सेट पर शामिल था और दूसरा शेड्यूल को इसे 6 अप्रैल को पूरा किया, जहां पर फिल्म को 50% से अधिक शूटिंग के बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म को छायाकान और PS विनोद चले गए, जहां पर विकास ने बदला और उनके प्रतिस्थापन मनोज परहांस द्वारा घोषित और तीसरे शेड्यूल को 24 जून की शुरुआत में मुख्य फोटोग्राफी 28 सितंबर 2023 में हो गई थी। वहीं पर गुंटूर करम को
दुनिया भर के सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2024 में रिलीज कर दिया गया। और इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया और इनके इरादों को फिल्मी लॉन्चिंग में 11 अगस्त 2023 को टाल दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ लाई गई और संक्रमांतों को 13 जनवरी 2024 को टाल दिया। वहीं पर आखिरी में रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 को कर दिया गया। वहीं पर 23 मई 2023 ने बाबू के पिता द्वारा कृष्णा के साथ देखी गई और 28वें जन्मदिन के साथ अवसरण को पहली बार देखी, जहां पर झलक को जारी करके सिनेमा मौसूल द्वारा पूर्ण जीवित जोड़ी हुई है, जो इनके साथ आधिकारिक ट्रेलर को 7 जनवरी 2024 को जारी किया। फिल्म डिजिटल आधिकारिक के साथ नेटफ्लिक्स पर हासिल कर दिया और मूवी को स्वागत में तेलुगु मलयालम हिंदी भाषा के साथ लॉन्च कर दिया। फिल्म आमतौर पर आलोचनात्मक नकारात्मक लेकर मिश्रित थी, जिन्होंने अपने इसी निर्देशन के साथ पाठकथा कथनांक भूमिकाओं को देखा गया, जहां पर महेश बाबू द्वारा अपने प्रदर्शन और इंडियन एक्सप्रेस आनंदो को 5 में से लगभग 2.5 रेटिंग दे दिया था, जहां पर महेश बाबू को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए त्रिविक्रमा ने अनावश्यक घड़ी के रूप में लंबी फिल्म को एकमात्र रूप में दिया और इसके कारकों को थकाव घड़ी बनाने के लिए रोकते हैं, जो डेकन क्रॉनिकल BS द्वारा प्रकाश में 2.5 स्टार लिखा। और निर्देशन ने त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ घड़ी बनाई थी, जो उनके महेश के जीवन की बड़ी छवि को सही ठहराने के लिए एक ठोस स्क्रिप्ट के साथ आने वाली विकल्प सिनेमा एक्सप्रेस अभिलाषा चेरुकुरिक द्वारा देखी गई, जहां पर इस मूवी को विजयवाड़ा हैदराबाद से बाहरी रिंग में ले जाया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने घोषणाओं के साथ एक्सप्रेस घटनाओं को बाहरी और बल्कि दोनों तेलुगु राज्य की तरह बनाएगी, जो सड़कों में प्रदर्शित करने वाले विशाल बी रोल ने गुटूर करम को बाकी हिस्सा महज भराव दिया, जो हिंदुस्तान टाइम नीतीश न्यायपति द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर इनकी दृश्य को प्रकाशित कर दिए गए थे, जहां पर इन्होंने अपने फिल्मी रूप से समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपने रूपों के बारे में व्यवसायिक मानसिक त्रिविक्रमा दायरे को बाहर निकाला गया। संगीत देवी ने गुंटूर करम को त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ लाकर गुंटूर करम की शुरुआती आते हैं और भारत में करोड़ों के साथ मिलियनों के रूप में देखी गई थी, जो इस मूवी के संगीत रूप को प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाए गए और इनकी दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया। वहीं पर बात करें मूवी को गुंटूर करम को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया और इसे 11 जनवरी के साथ 2023 तक टाल दिया गया। फिल्म डिजिटल रूप से काफ़ी बेहतरीन थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी कर दिया गया। फिल्म चीनी भाषा वायुष के द्वारा चुगुल रूप में देखी गई, जिसमें त्रिविक्रमा श्रीनिवास को देखा गया। बताया जाता है कि त्रिविक्रमा श्रीनिवास नाम से गूंजती जो कवित्री भी कहा जाता है, जो इन्होंने फिल्म अवार्ड के साथ वार्षिक फिल्मेयर अवार्ड में दक्षिणी भारतीय खंडन फिल्मेयर पत्रिक द्वारा भारतीय उद्योगों द्वारा इसे तमिल तेलुगु मलयालम भाषा कलात्मक तकनीकी उत्कृष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इनके साथ रूपी में देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों को प्रकाशित
कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज्यादा शानदार रूपों के साथ घोषित कर दिए गए और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई और इन्होंने अपने रूपी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बात करते हुए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को देखा गया तथा इनके साथ देखकर प्रकाशित कर दिए गए थे और इनके साथ लेकर देखी गई जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखकर विकल्प बंगाली और सिनेमा पुरस्कार शामिल थे। मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी उद्योग के वार्षिक समारोह में रचनात्मक पुरस्कारों द्वारा अपना शेड दिया और उनकी मुख्य हैदराबाद सेटिंग के साथ पहले पुरस्कार समारोह ने हिंदी पुरस्कारों को मुंबई में आयोजित किया जहां पर 1976 में दक्षिण क्षेत्र फिल्म पुरस्कार को हिंदी में अलग करने के लिए स्थानांतरण कर दिया। पुरस्कार को पहली बार 1993 में समारोह बॉलीवुड द्वारा जिनके साथ देखी गई और इन्होंने कहा जाता है कि इनके पुरस्कार क्लेन वार्न को अरबियन और चेन्नई में आयोजित के बाद के समारोह को विशिष्ट संगीत अकादमी द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया था जहां पर इस मूवी को हिंदी मान्यताओं द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी के साथ बताकर प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने अपने रूपों के बारे में जानकारी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बताया गया। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ बताया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ घोषित करके प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी दृश्यों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनकी समीक्षाओं के साथ देखे गए। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इन्होंने अपने भूमिकाओं के बारे में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बात करते गए और इनके सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों को बढ़ाते हुए शुरुआती रूप में लाइट परफॉर्मेंस को बताया जहां पर पुरुष पदार्पण महिला पदार्पण अवधि के दौरान उनके साथ देखे गए जो उनके पुरस्कार गायकों मूर्ति प्रतिभा को ऐसी फिल्म महिला जैसी देखना चाहिए जो नृत्य संख्यों को उठती और उनकी उंगलियों को छूती है जो आमतौर पर ब्ले लीड द्वारा कहा गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कला निर्देशन वेंकट लेग हेम्बर को देख रेख में एनजी पानसेम द्वारा डिजाइन करते हैं जो आमतौर पर खास से करते हैं और इनके साथ 5 फिल्मोग्राफर पुरस्कार को 25वीं रूप से देखी गई थी और जश्न मनाते हुए चांदी की मूर्तियों के साथ बनाई गई इनके साथ मनाने और सोने के रेड ऑपरेटर ऐसा खड़ा किया गया जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था जो महेश बाबू के साथ योग्यताओं में लाया गया और स्वादिष्ट रूप में देखी गई। वहीं पर बात करें तो परामुख भौतिक मास्टर डिग्री जो इनके साथ देखी गई और इन्होंने अपने साथ जारी कर दिया गया था। वहीं पर हरीना हासिन के साथ डिस्ट्रोपेटेड क्रिप्स हैदराबाद में स्थित भारतीय फिल्म सिनेमा निर्माण कंपनी में जारी और स्थानांतरित कर दिया गया जहां पर इनके साथ 2012 में राधा कृष्ण में कंपनी सित्रा एंटरटेनमेंट में सहायक उत्पादन के साथ कंपनी को पहला प्रोड्यूस कर देते हैं जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूप देते हैं और इन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सागर के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी करके बताया गया और इनके सहयोग के साथ लाकर इनकी प्रकाशित श्रृंखलाओं को जोड़ा गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाकर
देखी गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफी बेहतरीन रिस्पांस दी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन दृश्यों के साथ आयोजित और सत्यमूर्ति अल्लू अर्जुन को दोनों को दूसरी रूपों के साथ देखी गई थी, जहां पर सामान्य रूप से कलेक्शन के साथ बताया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स तिथियों के साथ लाकर आयोजित कर देते हैं और इनके सहयोग के साथ बताए जाते हैं। वहीं पर मूवी काफी ज्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के रूप में लाया गया था और इनकी भूमिकाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इनकी सहयोग तिथि के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ काफी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया जो इनके साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन रेटिंग दे दिया गया जो इन दृश्यों के साथ बताए गए। और गुंटूर करम मूवी में अपने निर्माण कंपनी पवन कल्याण के साथ बताया गया और इनके साथ सहयोग कल्याण अभिनेता ने एंटी रमिया द्वारा जूनियर, पूजा हेगड़े अभिनेता अरविंद स्मृति द्वारा वीर राघव अभिनेताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहां पर मूवी ब्लॉकबस्टर और तेलुगु सिम्बा पुरस्कार द्वारा नामांकन किया गया, जहां पर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अल्लू अर्जुन पूजा हेगड़े अभिनेताओं द्वारा देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ एस राधा को भी देखा गया। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा जो एस राधा नाम से चिन्ना बाबू नाम से जाने जाते हैं, जो भारतीय अभिनेता ने अपने निर्माता तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए हरिज्ञान क्रिप्सो के तहत ही निर्माण द्वारा देखी गई, भले ही उनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस थीटा और एक्शन एंटरटेनमेंट के अपने और भतीजे सूर्य देवा द्वारा नागा वामसी के साथ मुख्य अभिनेता के बैनर तले बनाई थी, जहां पर प्रस्तुति कर दिया और उन्होंने 1988 में महेश बाबू को 1985 में जन्म के साथ तेलुगु का रीमेक और 8 कथनांक को निर्माण करके अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं और वर्षों बाद निर्माण डिलीवरी के साथ जुड़े जूलियन को प्रस्तुति जबकि राधा रामेन द्वारा बताया गया था। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को देखकर बताकर एस राधा को काफी ज्यादा बेहतरीन थी जिन इनके सहयोग के साथ देखी गई। वहीं पर हरिया हासिन ने अपनी भूमिका और डीएसपी द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने इनके सहयोग के साथ देखे गए थे। वहीं पर इसे काफी ज्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ आयोजित कर दिया गया जो इन्होंने अपनी फिल्में श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इनकी कथनांक को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ लाई गई दृश्यों को आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने गुंटूर करम त्रिविद्रमा सकारात्मक लंदन के साथ देखे गए थे और इनके सहयोग के जरिए संगमरमर और तमिल कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट के साथ बताया गया और इन्होंने अपने सहयोग तिथि को जारी कर दिया था। वहीं पर इस मूवी को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्सिंग के साथ देखे गए थे। इनमें सभी की भूमिका काफी ज्यादा शानदार रही थी। इसमें सबसे बेहतरीन राधा कृष्ण द्वारा देखे गए थे। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा कृष्ण जो अपने साथ। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गुंटूर करम फिल्म के बारे में जो 2024 में भारतीय तमिल भाषा के तेलुगु अनुवादित के साथ मूवी को रिलीज किया गया था। यह मूवी एक्शन ड्रामा के साथ 2024 में भारतीय तेलुगु भाषा द्वारा लिखी गई जो निर्देशन हारिकिया रसीन क्रिप्सो के माध्यम से एम राधा कृष्ण द्वारा निर्मित और इसमें महेश बाबू और श्री लीला लन मीनाक्षी और चौधरी जया प्रकाश राज राम कृष्ण और जया जगपतीज बाबू द्वारा देखी गई, जहाँ पर इस मूवी का निर्देशन त्रिविक्रमा श्रीनिवास है और इसका लेखक भी त्रिविक्रमा श्रीनिवास है। वहीं पर उत्पादन में
एस राधा द्वारा दी गई। और इनमें अभिनेता की बात करें तो महेश बाबू, श्री लीला लन और मीनाक्षी चौधरी और प्रकाश राज, राम रमेश कृष्णा और जगपति बाबू है। वहीं पर इसके साथ सुनील रावल और छायाकांत के रूप में मनोज परहांस और संपादित में नवीन नुली है। वहीं पर संगीत को थमन एस द्वारा दिया गया और इसका उत्पादन कंपनी हारिका और हसीन क्रिप्शंस रही थी। मूवी को 12 जनवरी 2024 को भारत में रिलीज कर दिया गया था और इस मूवी की समय अवधि 159 मिनट की रही थी। मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ रिलीज कर दिया गया और मूवी की लागत बजट 150 से 200 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 171 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म अधिकारी घोषणाओं को मई 2021 के अस्थायी रूप से जारी कर दिया। इसी के तहत प्रमुख भूमिका में मूवी को 28वें रूप से आधिकारिक शीर्षकों द्वारा जारी कर दिया गया था और इनके साथ महेश बाबू की शूटिंग और इसकी समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के अंत के साथ साउंडट्रैक और थमन एस द्वारा रचा गया, जबकि मनोज परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया। वहीं पर गुंटूर करम को संक्रांति के साथ आधिकारिक रूप से 2022 की शुरुआत और हैदराबाद की शूटिंग और इसके बाद पूरी हो गई, जहां पर दिसंबर 2023 के अंत में फिल्म स्कोर साउंडट्रैक थमन एस द्वारा रचा गया था और फिल्मोग्राफी मनोरंजन परहांस द्वारा संपादित नवीन नूली द्वारा किया गया, जहां पर गुंटूर करम को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी 2024 को दुनिया भर और सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया। फिल्म को त्रिविक्रमा श्रीनिवास पाटकथा कथनांक और थमन बैकग्राउंड स्कोर साउंडट्रैक द्वारा आलोचकों को नकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षा मिली थी, लेकिन बाबू ने प्रदर्शन प्रशंसाओं द्वारा देखी गई। बात करें तो मूवी की कथनांक की, जो 1998 में गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे और डोका मार्शल बाबू लेलिन बाबू ने भगोनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम के मिर्ची फैक्ट्री को जला दिया था, जो इनके साथ सत्यम को यह देखकर मार्शल और लेलिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है, जबकि फैक्ट्री जला रही होती है। इस प्रतिक्रिया में सत्यम बहनोई रंगम को गलती से लेलिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष लेता है, जिससे उसे 12 साल की जेल की डाल दिया गया था। हालांकि उनके बेटे वीरा वेंकट रमन रमिया की बाइक आंख की दृष्टि और आशंकित रूप से जारी कर दिया गया होगा, जो इसके तुरंत बाद ही यह देखते हुए सत्यम कैसे जेल और उसकी पत्नी और रमान की मां वसुधरा रमना और सत्यम के परिवार को छोड़ने का फैसला करती है। हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वापस चली जाती और अंत अपने भतीजे और उसके साथ दूसरी शादी करती है, जहां पर चचेरे भाई ने पक्का राजगोपाल नारायण द्वारा देखी गई और इसे 2023 में वेंकट स्वामी ने अपने राजनीतिक दल से वसुधरा कानूनी मंत्री को बनाया था, लेकिन उन्हें अपने अधीन स्थल को राजनीतिक दल जन दल पार्टी के सदस्य काटा मधु विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देते हैं और रमिया वसूद के बेटे के साथ लाए जाते हैं, जहां पर इन्होंने अपने आपके साथ काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई थी और इनके दस्तावेज रमिया द्वारा हस्ताक्षर करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया कि वह वसुधरा का व्यापार परिवार से संबंधित नहीं है, जिसके बदले में पैसे मिलेगा यदि आप अपनी मां को देखते हैं या फिर बात करते हैं तो। वहीं पर इसके साथ ही देखे गए थे और इनकी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया। वकील बासु और सारगम पानी द्वारा उनकी बेटी वसुधरा राज द्वारा बाला सुब्रमण्यम बालू से शामिल जो रमिया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश करते हैं, इसे निराश होकर वेंकट स्वामी ने पानी से जुबली हिलाते हुए रमिया के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने का फैसला किया, जिसमें कहा गया
है कि उनके घर की कीमत सामान्य को नष्ट कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उनके मजबूत करने की सुरक्षा को गोंडा पर हमला के बावजूद इसके सहानुभूति को देखा गया था और इन्होंने अपनी सहानुभूति समीक्षाओं द्वारा जारी करके प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखा गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दी गई थी। वहीं पर गुंटूर करम मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी जमानत के आदेश को प्राप्त और पानी के विरोध रमिया वेंकट स्वामी के घर जाते हैं, जो इनके साथ FIR कहा जाता है और उसे फिर से दोहराते हैं। वसुंधरा के घर द्वारा हंगामा के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में प्रकाशन और वसुंधरा हंगामा देखते हैं, जो उनके विरोध करती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और गुंटूर में वापस काटा मधु ने उसे अपने वेंकट स्वामी वसुंधरा का विरोध करने वाले राजनेता के गुट के साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि काटा द्वारा उसका बटुआ चुराने में सक्षम है, जो फोटोग्राफिक साक्ष्य ने रूप में पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए मीडिया को बताता है और वह वास्तव में वसुंधरा का बेटा यह देखकर वेंकट स्वामी को रमिया को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं और इसके बाद सत्यम ने रमाना के साथ उनके परिवार को बताया। उनकी फैक्ट्री जलने के बाद वसुंधरा तुरंत रमा की आंख का ऑपरेशन कराना चाहती थी और उसके लड़ी थी, जिसके साथ सोचा था और रंगम को बताया था। उसकी प्रमुख प्राथमिकता को रमिया को भी अपने साथ वेंकट स्वामी के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सत्यम की बहन बुजुआ और उसकी भाभी ने सत्यम के आदेश के अनुसार उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हत्या की सुनवाई के दौरान अदालत में वसुंधरा ने बुजी से रमिया की आंख के बारे में पूछताछ की, जिस पर उनसे बताया गया कि उनकी आंखों में कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आएगी। क्रोधित वसुंधरा ने गवाही दी, लेकिन रमिया के बजाय सत्यम से लेलिन की हत्या यह जानकर रमा उदास हो जाती है, जहाँ पर लिटोन बाजीगर का एक आधा सुपारी हथियारों और उसके आदमी द्वारा बालू को रमन के लिए अपहरण कर लेते हैं। बालाजी के साथ बताए गए और वेंकट स्वामी की दौरान उन्हें मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उनका सामान्य करने पर पता चला कि नारायण ने वेंकट स्वामी के आदेश के तहत बाबाजी और उनके लोगों को रमन और मारने के लिए काम पर रखा गया था। कहीं उनके साथ वसुंधरा को लॉरी ने टक्कर मार दी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और रमन ने यह देखते लिए दौड़ते गए, जहां पर वह कैसी वेंकट स्वामी ने उसे बताया था और हरिदास एक ऊपर दरित वेंकटा के साथ दुर्घटना की आड़ में वसुंधरा की हत्या करने की योजनाओं को बनाई गई। वह रमिया को यह साबित करने के साथ उन्हें मारने का भी लिए मरा लेते और वसुंधरा वेंकट द्वारा इस प्रतिक्रिया में उसे पानी को भी बताया गया, जहां पर वेंकट ने वापस पाने के लिए 1998 में सत्यम फिल्म फैक्ट्री द्वारा हमले के साथ साजिश रची गई, क्योंकि यह समय चुनाव हार गया था, क्योंकि वसुंधरा के सत्यम से शादी करते और दूसरी जाति से थी। जब रमना ने हरिदास को मारने जाता तो वह बताया कि उसने कभी काटा के साथ हत्या की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिशोध वेंकट स्वामी के प्रति उनके साथ उसे 25 साल पहले एक व्यवसाय को स्थापित किया गया था और अंततः उसके द्वारा पीठ में चोरा घोंपा गया था। नारायण के साथ वसुंधरा के दूसरे बेटे राजगोपाल
को सांसद बनने के कार्यक्रमों में नारायण ने वेंकट स्वामी को यह भी बताया कि गोपाल उनके जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि उसे वसुधरा ने अपने पिता को बेवकूफ बनाने के लिए गोद लिया था ताकि रमन को नुकसान से बचाया जा सके। भले ही वे शादीशुदा है लेकिन कभी भी रिश्ते में नहीं बांधे और अपने सनाक्षय को अलग सोते यह पता चलता है। जो वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा का दुर्घटना और सहानुभूति के सीएम के रूप में कार्यकाल जीत सके। जब रमना को इस बात का पता चलता है तो वह उसे दोनों को बालू और अम्मू के साथ गुट्टू और वापस चले जाते हैं, जहां पर सत्यम को भूजी के खिल साथ फिर से मिलती है और अंतिम क्रेडिट दृश्यों को हताश वेंकट स्वामी को नारायण राजनीतिक पार्टी से लाने में रमन के साथ जुड़ने के बारे में सफल रूप से विचार करती है, लेकिन नारायण उन पर हंसते हैं। बात करें तो ढलान की, जिसमें महेश के बाबू भोगनी और वीरा वेंकट रमन सत्यम वसुधरा के बेटे हैं, वहीं पर श्री लीला वसुधराज मोक्ता अमू का जो माल्याद के रूप में पानी के साथ बेटी के रूप में देखी गई, वहीं पर प्रेमिका रमिया की जचेरी बहन और राजी के रूप में मीनाक्षी चौधरी और व्यापार वेंकट स्वामी के साथ वसुधरा के पिता ने रमन के दादा के रूप में प्रकाश राज वेंकट स्वामी की बेटी कानूनी मंत्री और व्यापार वसुधरा के साथ देखे गए, जहां पर रमा कृष्णा और उनके साथ गोपाल की दत्तक माँ भगवानी सत्यम द्वारा पूर्व पत्नी राजगोपाल नारायण है, जो भगवानी सत्यम के साथ उर्फ रॉयल सत्यम के रूप में जया रूप में वसुधरा के पहले पति को रमिया के पिता जगपति बाबू डॉक्यूमेंट मार्शल बाबू लेलिन द्वारा देखी गई और सत्यम के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, जहां पर इन्होंने सुनील के डोका लेलिन बाबू और मार्शल के बड़े भाई हैं। वहीं पर राम रमेश जो पक्का राजगोपाल नारायण के रूप में वसुधरा आज जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने अच्छे रिस्पांस के साथ लाया गया, जो व्यापक राजगोपाल ने अपने दत्तक सौतेले भाई के साथ राहुल रविंदर है। वहीं पर अजय जियान टीन बालाजी और आधे सुपरहारी द्वारा बाल सुब्रमणिक बालू बानी को सहायक रूप में देखी गई, जो वेनलिया किशोर है। वहीं पर सत्यम की बहन ने बूजी के रूप में स्वर्णी राव और रमेश की पत्नी साबा राजा ने अपने मीनाक्षी के साथ देखी गई, जहां पर काटा मधु ने वेंकट स्वामी के प्रतिनिधित्व विपक्ष के रूप में काम करती और पी रविशंकर द्वारा देखी गई थी तथा इन्होंने अपने साथ रमन के रूप में बूजी के पति और रघु बाबू सत्यम द्वारा जीजा के रमन चचा द्वारा देखे गए, जहां पर नकली ने हारी के दास के रूप में मधुसूदन राव और याकूब के रूप में पंपी साई है। वहीं पर साबा के साथ बूजी के बेटे और तेजा कुकुआन और राजी भाई और रमिया के चचेरे भाई लेलिन के बेटे मार्शल के भतीजे महेश के साथ चिंतन रूप में देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं को उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने सहयोगी रूप में लाया गया तथा इस मूवी के रूप में देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ दृश्य के रूप में उजागर करके प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के साथ देखे गए और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दे दिया गया, जहां पर इनके दौरान देखी गई श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने सहयोग तिथि के साथ देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के रूप में लाया गया और इनकी कथनांक बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी की योजनाओं को देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इन्होंने अपने दृश्यों को जारी करके एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ
बताए गए थे तथा इन्होंने अपनी कथनांग के जरिए देखी गई और इनके रूप के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखे गए थे और इनके साथ जारी कर दिया गया, जहां पर इनके रूपों के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी कथनांग के साथ देखकर आयोजित और घोषित कर लिया था और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के जरिए बताए गए और इन्होंने अपनी मूवी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखकर कथनांकों के साथ लाया गया और इनके रूप समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्य को उजागर कर दिया गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में देखी गई, जो इनके सहयोग के साथ बताकर अपने प्रकाशन श्रृंखलाओं के बारे में देखी कर घोषित और इनके सहयोग रूप में जारी थी। मूवी को अच्छे रूपों के साथ बताकर अपनी भूमिका जारी कर देते हैं और इनके साथ लाए जाते हैं, जो इन दृश्यों के जरिए बताई गई समीक्षाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी दृश्य भूमिकाओं को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था। वहीं पर इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इनके कथनांकों के जरिए देखी गई थी और इनके सहयोग के साथ लाया गया था, जहां पर इन्होंने अपने आप के रूप में गुंटर क्रम के साथ देखी गई। अप्रैल 2021 में शुरुआत में बताया गया त्रिविक्रमा श्रीनिवास, जिन्होंने आर्थू खलीजा, 2010 में महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ काम करते हैं और इनके सहयोग द्वारा जारी कर देते हैं। वहीं पर इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाई गई और इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रही थी और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताए गए थे और इन्होंने अपनी सहयोगी तिथियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था तथा इन्होंने अपने फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित और पूजा हेगड़े के दौरान देखी गई और इनकी कथनांक को बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाया गया और इन्होंने अपने दृश्य को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इनके सहयोग के जरिए जारी करके प्रकाशित रूप में देखकर आयोजित था तथा इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों को दोनों राघव द्वारा, अल्ला वेकंटपुरम एनटीआई जूनियर्स द्वारा देखी गई और इन्होंने अपने सहयोग के साथ बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के जरिए जारी करके इनके राघव के निर्देशन जूनियर के साथ उद्यम पहले अपने निर्देशन बाबूज द्वारा बताया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपने आप के साथ लाई गई समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन भूमिका दी गई थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ देखे गए और इनकी कथनांक को बहुत ही बेहतरीन थी, जहां पर मूवी ने अपने पार्टी स्क्रिप्ट सुनाई, जिसे अभिनेता प्रभावित हो गए और निर्देशन ने अपने तीसरे सहयोग उद्यम में काम करने के लिए सहमत हो गए। वहीं पर मई में अस्थायी रूप से SIP के तहत ही बाबू के त्रिविक्रमा के सहयोग अधिकारी घोषणा की गई और प्रोडक्शन में नवंबर 2021 में शुरुआत कर दिया गया, जहां पर बाबू को कथित तौर पर सरकारू वारीपटा के साथ देखी गई और इनके शूटिंग सिनेमेटिक PS विनोद द्वारा, संपादक नवीन नूली द्वारा, संगीत थमन एस द्वारा देखी गई, जहां पर कला के
निर्देशन प्रक्रांत द्वारा तकनीकी दल में अंतिम रूप को दिया गया और इस परियोजना को आरी आसान क्रिप्सो के तहत एस राधा कृष्ण वित्त द्वारा घोषित कर दी। मूवी को 3 फरवरी 2022 को हैदराबाद रमिया नायडू और स्टूडियो फिल्म के कलाकार और के साथ मुर्ताज पूजा के समारोह द्वारा आयोजित किया गया। शुरुआत में फिल्म के एक्शन थिएटर को रूप में प्रचारित कर दिया गया था। हालांकि पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद मेवर्स द्वारा कलाकारों के बीच के टकराव को खबर आई थी और इस मूवी को अपनी समीक्षाओं के साथ बताए गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया, जहां पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मूवी को दृश्यों द्वारा लाए गए थे, जहां पर इन्होंने समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इनकी कथनांक बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ जारी करके देखा गया था, जो इनकी कथनांक के बारे में लाकर इनके साथ प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रूपों से जारी करके प्रकाशित किया गया था और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ लाया गया, जो इन्होंने अपने रूपों के बारे में देखकर आयोजित कर देते हैं और इनके साथी को बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जोड़े गए थे और इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ लाकर प्रकाशित कर दी गई। मूवी बहुत ही बेहतरीन था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखकर आयोजित कर देते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी दृश्यों के साथ प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी की श्रृंखलाओं को लाकर इनके और देखे गए और इन्होंने अपनी फिल्मी रूपों के साथ देखी गई, जहां पर इस मूवी के साथ जारी करके प्रकाशित रूपों में बताया गया था और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोग के रूप में लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथि के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्सों के साथ देखकर घोषित कर देते हैं, जहां पर लाई गई गुंडूर क्रम थिएटर मूलह को हटाकर अपने पारिवारिक मनोरंजन को बदला दिया और शेड्यूल के साथ फिल्मांकन को हटाने के इरादे के साथ संशोधित करते हैं, जो आधिकारिक रूप में देखे गए और इन्होंने अपनी शुरुआत में 31 मई 2023 को गुंटूर क्रम के रूप में सामने आई थी, जहां पर इनके साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिया। वहीं पर पूजा हेगड़े की शुरुआत अभिनेत्री को चुना गया और महर्षि ने 2019 के बाद दूसरी बार बाबू की जोड़ी बनाई और साथ ही निर्देशन के साथ उनके तीसरे सहयोग में हाल ही में उनके शेड्यूल का टकराव के कारण उद्यमित में बाहर कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को सहयोग रूप में शुरुआत और हेकड़े को हटाने से पहले उनकी अभिनेत्री भूमिका निभाने के लिए जारी कर दिया गया था और इनके सहयोग के साथ बताए गए, जहां पर श्रीवल्ली ने अपनी शेड्यूल की मीनाक्षी और रमिया कृष्ण के साथ रमन चौधरी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया और मार्च में प्रकाश राज और महेश बाबू दादा की भूमिका निभाने की कलाकार में शामिल हो गई। बाद में जयारमी और कलाकारों को शामिल करते हैं, जो जगपति बाबू और महेश बाबू के साथ ली गई थी और इनकी डरावनी किरदार के साथ देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ श्रृंखलाओं को आयोजित कर दिए गए, जहां पर किरदार निभाने की सूचना मिली थी और मुख्य फोटोग्राफर द्वारा इसे 12 सितंबर 2022 को अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद एक्शन सीक्वेंस के साथ देखी गई, जो इनके पहले शेड्यूल के जरिए देखी गई और इसे प्रकाशित
कर दिया गया। वहीं पर एनबीआई की जोड़ी द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और हाई ऑटो स्टेट में शामिल कर दिया गया, जो इनके कोरियोग्राफर को ओकेस्ट्रो स्टेट शामिल में बदला गया और उसकी महीनों को पूरा किया गया। हाल ही में निर्माताओं के साथ देखी गई और इनकी शेड्यूल रामोजिक फिल्म सिटी के दशहरा के उत्सव के बाद हेगड़े ने सेट पर शामिल होने के साथ शुरुआत में योजनाओं द्वारा त्रिविक्रमा द्वारा स्क्रिप्ट संशोधन के बाद लाई गई शूटिंग को पारिवारिक मनोरंजन के साथ बदल दिया गया। फिल्म को इन मनोरंजन के दूसरे शेड्यूल के साथ देखी गई और सारथी स्टूडियो हैदराबाद में हेगड़े ने अपने चलते फिल्मांकन को सेट पर शामिल और फरवरी में है टीमों द्वारा देखी गई, जहाँ पर संकरी रूप से तेलंगाना को 10 करोड़ खर्चे करके जयराम सेट पर शामिल था और दूसरा शेड्यूल को इसे 6 अप्रैल को पूरा किया, जहां पर फिल्म को 50% से अधिक शूटिंग के बाद रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म को छायाकान और पीएस विनोद चले गए, जहां पर विकास ने बदला और उनके प्रतिस्थापन मनोज परहांस द्वारा घोषित और तीसरे शेड्यूल को 24 जून की शुरुआत में मुख्य फोटोग्राफी 28 सितंबर 2023 में हो गई थी। वहीं पर गुंटूर करम को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2024 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को 28 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया और इनके इरादों को फिल्मी लॉन्चिंग में 11 अगस्त 2023 को टाल दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ लाई गई और संक्रमांतों को 13 जनवरी 2024 को टाल दिया। वहीं पर आखिरी में रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 को कर दिया गया। वहीं पर 23 मई 2023 ने बाबू के पिता द्वारा कृष्णा के साथ देखी गई और 28वें जन्मदिन के साथ अवसरण को पहली बार देखी, जहां पर झलक को जारी करके सिनेमा मौसूल द्वारा पूर्ण जीवित जोड़ी हुई है, जो इनके साथ आधिकारिक ट्रेलर को 7 जनवरी 2024 को जारी किया। फिल्म डिजिटल आधिकारिक के साथ नेटफ्लिक्स पर हासिल कर दिया और मूवी को स्वागत में तेलुगु मलयालम हिंदी भाषा के साथ लॉन्च कर दिया। फिल्म आमतौर पर आलोचनात्मक नकारात्मक लेकर मिश्रित थी, जिन्होंने अपने इसे निर्देशन के साथ पाठकथा कथनांक भूमिकाओं को देखा गया, जहां पर महेश बाबू द्वारा अपने प्रदर्शन और इंडियन एक्सप्रेस आनंदो को 5 में से लगभग 2.5 रेटिंग दे दिया था, जहां पर महेश बाबू को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए त्रिविक्रमा ने अनावश्यक घड़ी के रूप में लंबी फिल्म को एकमात्र रूप में दिया और इसके कारकों को थकाव घड़ी बनाने के लिए रोकते हैं, जो डेकन क्रॉनिकल बीएस द्वारा प्रकाश में 2.5 स्टार लिखा और निर्देशन ने त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ घड़ी बनाई थी, जो उनके महेश के जीवन की बड़ी छवि को सही ठहराने के लिए एक ठोस स्क्रिप्ट के साथ आने वाली विकल्प सिनेमा एक्सप्रेस अभिलाषा चेरुकुरिक द्वारा देखी गई, जहां पर इस मूवी को विजयवाड़ा हैदराबाद से बाहरी रिंग में ले जाया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपने घोषणाओं के साथ एक्सप्रेस घटनाओं को बाहरी और बल्कि दोनों तेलुगु राज्य की तरह बनाएगी, जो सड़कों में प्रदर्शित करने वाले विशाल बी रोल ने गुटूर करम को बाकी हिस्सा महज भराव दिया, जो हिंदुस्तान टाइम नीतीश न्यायपति द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर इनकी दृश्य को प्रकाशित कर दिए गए थे, जहां पर इन्होंने अपने फिल्मी रूप से समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपने रूपों के बारे में व्यवसायी मानसिक त्रिविक्रमा दायरे को बाहर निकाला गया। संगीत देवी ने गुंटूर करम को त्रिविक्रमा श्रीनिवास के साथ लाकर गुंटूर करम की शुरुआती आते हैं और भारत में करोड़ों के साथ मिलियनों के रूप में देखी गई थी, जो इस मूवी के संगीत रूप को
प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाए गए और इनकी दृश्यों को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस दिया। वहीं पर बात करें मूवी को गुंटूर करम को 12 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया और इसे 11 जनवरी के साथ 2023 तक टाल दिया गया। फिल्म डिजिटल रूप से काफ़ी बेहतरीन थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन भाषा के साथ एक्शन ड्रामा के साथ जारी कर दिया गया। फिल्म चीनी भाषा वायुष्क द्वारा चुगुल रूप में देखी गई, जिसमें त्रिविक्रमा श्रीनिवास को देखा गया। बताया जाता है कि त्रिविक्रमा श्रीनिवास नाम से गूंजती जो कवित्री भी कहा जाता है, जो इन्होंने फिल्म अवार्ड के साथ वार्षिक फिल्मेयर अवार्ड में दक्षिणी भारतीय खंडन फिल्मेयर पत्रिक द्वारा भारतीय उद्योगों द्वारा इसे तमिल तेलुगु मलयालम भाषा कलात्मक तकनीकी उत्कृष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इनके साथ रूपी में देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन दृश्यों को प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूपों के साथ घोषित कर दिए गए और इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में देखी गई और इन्होंने अपने रूपी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बात करते हुए और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को देखा गया तथा इनके साथ देखकर प्रकाशित कर दिए गए थे और इनके साथ लेकर देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को देखकर विकल्प बंगाली और सिनेमा पुरस्कार शामिल थे। मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी उद्योग के वार्षिक समारोह में रचनात्मक पुरस्कारों द्वारा अपना शेड दिया और उनकी मुख्य हैदराबाद सेटिंग के साथ पहले पुरस्कार समारोह ने हिंदी पुरस्कारों को मुंबई में आयोजित किया, जहां पर 1976 में दक्षिण क्षेत्र फिल्म पुरस्कार को हिंदी में अलग करने के लिए स्थानांतरण कर दिया। पुरस्कार को पहली बार 1993 में समारोह बॉलीवुड द्वारा जिनके साथ देखी गई और इन्होंने कहा जाता है कि इनके पुरस्कार क्लेन वार्न को अरबियन और चेन्नई में आयोजित के बाद के समारोह को विशिष्ट संगीत अकादमी द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया था, जहां पर इस मूवी को हिंदी मान्यताओं द्वारा देखे गए थे और इन्होंने अपनी फिल्मी के साथ बताकर प्रकाशित कर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने अपने रूपों के बारे में जानकारी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी कथनांक के साथ बताया गया। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ बताया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं के साथ घोषित करके प्रकाशित कर दिए गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के रूप में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी दृश्यों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया था और इनकी समीक्षाओं के साथ देखे गए। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के बारे में बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के साथ देखकर आयोजित करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इन्होंने अपने भूमिकाओं के बारे में लाया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया तथा इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं के साथ बात करते गए और इनके सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों को बढ़ाते हुए शुरुआती रूप में लाइट परफॉर्मेंस को बताया, जहां पर पुरुष पदार्पण महिला पदार्पण अवधि के दौरान उनके साथ देखे गए जो उनके पुरस्कार गायकों मूर्ति प्रतिभा को ऐसी फिल्म महिला जैसी देखना चाहिए जो नृत्य संख्यों को उठती और उनकी उंगलियों को छूती है, जो आमतौर पर ब्ले लीड द्वारा कहा गया और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कला निर्देशन वेंकट लेग हेम्बर को देख रेख में एनजी
सेम द्वारा डिजाइन करते हैं जो आमतौर पर खास से करते हैं और इनके साथ 5 फिल्मोग्राफर पुरस्कार को 25वीं रूप से देखी गई थी और जश्न मनाते हुए चांदी की मूर्तियों के साथ बनाई गई। इनके साथ मनाने और सोने के रेड कॉर्पोरेटर ऐसा खड़ा किया गया जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जो महेश बाबू के साथ योग्यताओं में लाया गया और स्वादिष्ट रूप में देखी गई। वहीं पर बात करें तो परामुख भौतिक मास्टर डिग्री जो इनके साथ देखी गई और इन्होंने अपने साथ जारी कर दिया गया था। वहीं पर हरीना हासिन के साथ डिस्ट्रोपेटेड क्रिप्स हैदराबाद में स्थित भारतीय फिल्म सिनेमा निर्माण कंपनी में जारी और स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पर इनके साथ 2012 में राधा कृष्ण में कंपनी सित्रा एंटरटेनमेंट में सहायक उत्पादन के साथ कंपनी को पहला प्रोड्यूस कर देते हैं, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रूप देते हैं। और इन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सागर के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी करके बताया गया और इनके सहयोग के साथ लाकर इनकी प्रकाशित श्रृंखलाओं को जोड़ा गया था और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के बारे में लाकर देखी गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दी गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बहुत ही बेहतरीन दृश्यों के साथ आयोजित और सत्यमूर्ति अल्लू अर्जुन को दोनों को दूसरी रूपों के साथ देखी गई थी, जहां पर सामान्य रूप से कलेक्शन के साथ बताया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित कर दिए गए थे। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स तिथियों के साथ लाकर आयोजित कर देते हैं और इनके सहयोग के साथ बताए जाते हैं। वहीं पर मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दलों द्वारा योजनाओं के रूप में लाया गया था और इनकी भूमिकाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इनकी सहयोग तिथि के साथ जारी करके प्रकाशित कर दिया गया। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार रही थी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ काफ़ी अच्छा रूप प्रदान कर दिया गया जो इनके साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा योजनाओं को बहुत ही बेहतरीन रेटिंग दे दिया गया जो इन दृश्यों के साथ बताए गए और गुंटूर करम मूवी में अपने निर्माण कंपनी पवन कल्याण के साथ बताया गया और इनके साथ सहयोग कल्याण अभिनेता ने एंटी रमिया द्वारा जूनियर, पूजा हेकड़े अभिनेता अरविंद समिति द्वारा वीर राघव अभिनेताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहां पर मूवी ब्लॉकबस्टर और तेलुगु सिम्बा पुरस्कार द्वारा नामांकन किया गया, जहां पर दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अल्लू अर्जुन पूजा हेकड़े अभिनेताओं द्वारा देखे गए थे। वहीं पर इनके साथ एस राधा को भी देखा गया। बताया जाता है कि सूर्य देवी राधा जो एस राधा नाम से चिन्ना बाबू नाम से जाने जाते हैं, जो भारतीय अभिनेता ने अपने निर्माता तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए हरिज्ञान क्रिप्सो के तहत ही निर्माण द्वारा देखी गई। भले ही उनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस थीटा और एक्शन एंटरटेनमेंट के अपने और भतीजे सूर्य देवा द्वारा नागा वामसी के साथ मुख्य अभिनेता के बैनर तले बनाई थी, जहां पर प्रस्तुति कर दिया और उन्होंने 1988 में महेश बाबू को 1985 में जन्म के साथ तेलुगु का रीमेक और 8 कथनांक को निर्माण करके अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं और वर्षों बाद निर्माण डिलीवरी के साथ जुड़े जूलियन को प्रस्तुति, जबकि राधा रामेन द्वारा बताया गया था। वहीं पर इन्होंने अपनी फिल्मी श्रृंखलाओं को देखकर
बताकर एस राधा को काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिन इनके सहयोग के साथ देखी गई। वहीं पर हरिया हासिन ने अपनी भूमिका और डीएसपी द्वारा जारी करके प्रकाशित कर दिया गया था और इन्होंने इनके सहयोग के साथ देखे गए थे। वहीं पर इसे काफी ज्यादा शानदार था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंगों के साथ आयोजित कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी फिल्में श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था और इनकी कथनांग को बहुत ही अच्छे रूपों के साथ लाई गई दृश्यों को आयोजित करके प्रकाशित कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने गुंटूर करम त्रिविद्रमा सकारात्मक लंदन के साथ देखे गए थे और इनके सहयोग के जरिए संगमरमर और तमिल कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट के साथ बताया गया और इन्होंने अपने सहयोग तिथि को जारी कर दिया था। वहीं पर इस मूवी को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्सिंग के साथ देखे गए थे। इनमें सभी की भूमिका काफी ज्यादा शानदार रही थी। इसमें सबसे बेहतरीन राधा कृष्ण द्वारा देखे गए थे। बताया जाता कि सूर्य देवी राधा कृष्ण जो अपने साथ